गुड इवनिंग एवरी वन इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए एक बार थम्सअप दे देना इफ यू आर एबल टू हियर इफ यू आर एबल टू सी क्लियर है सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर सो वी वी डिस्कसिंग अबाउट फ्लूड कैनमेटिक्स तो हम डिस्कशन कर रहे थे फ्लूड मैकेनिक्स की फ्लूड मैकेनिक्स में हमारा स्टैटिक्स कंप्लीट हो गया था हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर ली थी काइनेमेटिक्स में भी हमने बात कर ली थी टाइप ऑफ फ्लो की और हमने बात कर ली थी टाइप ऑफ फ्लो लाइन की ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे इनफैक्ट कल हमने एक्सेलरेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया था सो इन क्लास वी हैव टॉक्ट अबाउट एक्सेलरेशन आल्सो। तो एक्सेलरेशन में हमने चार तरह के एक्सेलरेशन देख लिए थे पहला लोकल या टेम्परल एक्सेलरेशन दूसरा हमने बात करी थी कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की तो अगर हमारी वेलोसिटी वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम लोकल टेम्पोरल एक्सेलरेशन अगर हमारी वेलोसिटी वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है तो व्हील से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन वेरी कर रही है व्हील से नॉर्मल एक्सेलरेशन तो ये चार तरह के एक्सेलरेशन हमने देख लिए थे इसके ऊपर सफिशिएंट प्रॉब्लम भी कर लिए थे आज हम उसके आगे बढ़ेंगे एंड टोडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट द बिलासि आज की क्लास में हम बात करेंगे किसकी बिलासरी की तो फ्लूड कैनामेटिक्स में हम बात करते हैं वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द फ्लूड विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स हम फोर्सेज की बात नहीं करते बाकी फ्लूड अंडर मोशन की एनालिसिस करते हैं स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है प्रायर टू दि स्टार्टिंग भी विद बेसिक अनाउंसमेंट्स जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं गेट ई एस और पी एस और के लिए उनके लिए न्यू बैच लॉन्च हो रहा है कल ही लॉन्च हो रहा है यह बच आई एल बी स्टार्टिंग विद द इरीगेशन इंजीनियरिंग मैं ही स्टार्ट करूंगा इसमें इरीगेशन इंजीनियरिंग जो लोग गेट ई और पी एस यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी नया बैच लॉन्च हो रहा है ट्वेंटी फोर्स ऑफ डिसंबर से कल से ही बी स्टार्टिंग इरीगे इंजीनियरिंग इन दिस इन दिस यू कैन गेट अप टू 30 परसेंट इस सब्सक्रिप्शन पे आपको 30 परसेंट ऑफ

तो दो आर प्रिपेयरिंग फॉर आई आर एम एस कैन ऑल्सो इनरोल फॉर दिस बैच फॉर दिस आई आर एस यू कैन अवेल अपू थर्टी टू परसेंट ऑफ द डिस्काउंट आई आर एम एस के लिए आप थर्टी टू परसेंट का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं जो लोग गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर देम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इज बिंग शेड्यूलमोस्ट सारे लर्नर्स इस टेस्ट को देते हैं uh, टेस्ट को देने के बाद अपनी आप रैंकिंग देख सकते हैं अपने लेवल को चेक कर सकते हैं कितनी प्रिपरेशन हुई है कितनी नहीं हुई है Uh, अपने प्रिपरेशन को लेवल को एनहेंस भी कर सकते हैं यू कैन एनहेंस डेट प्रिपरेशन ऑल्सो दिसंबर के सारे टेस्ट हो गए अब जैन में आपके चार टेस्ट हैं आठ जनवरी को है पंद्रह को है ट्वेंटी सेकंड को और ट्वेंटी नाइन्थ को है जिन्होंने इनरोल नहीं किया यू कैन इनरोल फॉर दिस आप इस टेस्ट में इनरोलमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट खत्म हुए तो कल की क्लास में हमने बात करी थी किसकी कल की क्लास में हमने बात करी थी एक्सेलरेशन की वी हैव अबाउट द एक्सेलरेशन आज की क्लास में हम बात क्या करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की जो लोग भी आते हैं एक बार अपना होमवर्क करके आया करो क्लास में आकर डिस्टर्ब मत किया करो सर कोई एक रिविजन क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए अब मैं बोलूँगा पीडीएफ अवेलेबल है ग्रुप पे तो फिर ये बोलेगा सर कौन सा ग्रुप फिर मैं बोलूँगा ग्रुप का नाम ये है फिर ये बोलेगा सर ज्वाइन कैसे करें फिर मैं बोलूंगा यहाँ पर मैसेज करो फिर बोलेगा सर मैसेज किया पर ऐड नहीं किया तो यही कहानी चलती जाएगी इसलिए टाइम वेस्ट मत करो आगे बढ़ते हैं विल कंटिन्यू तो हम बात कर रहे थे किसकी एक्सेलरेशन की आज हम बात करेंगे किसकी इन टोडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट वॉट बात करेंगे एंगुलर बलॉसी की अब क्या एंगुलर वी इस बात को समझने के लिए टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेन एवर अड फ्लो जब भी कोई फ्लूड फ्लो करता है इट मे अंडर गो फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट उसमें आपको जो अभी मैं डिस्कस करूंगा वैसा मोशन मिल जाएगा या डिफॉर्मेशन मिल जाएगी अब जब फ्लूड फ्लो करता है कैसी मोशन और कैसी डिफॉर्मेशन हो सकती है जरा चेक करो चार केसेस बना के दिखाया मैंने आपको आई हैव शोन फोर केसेस पहला केस लेट अस सपोज ये हमारे फ्लूड का एलिमेंट है ये हमारे फ्लूड का एलिमेंट है एलिमेंट मूव किया एक्स डायरेक्शन में और एलिमेंट मूव किया वाई डायरेक्शन में तो और एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मूव किया एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मूव किया।, किया इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं इस तरह के मोशन को हम बोल देते हैं ट्रांसलेशन मोशन तो जब फ्लूइड फ्लो करता है उसमें ट्रांसलेशन मोशन हो सकती है समझ में आती है जब फ्लूड फ्लो करता है उसमें रोटेशनल मोशन भी हो सकती है इट मे अंडर को रोटेशनल मोशन ऑल्सो तो हमारी जो दो परपेंडिकुलर साइड्स हैं, इन दोनों में क्या निकल के आया डिस्प्लेसमेंट निकल के आया पर कैसी डिस्प्लेसमेंट निकल के आई इस बार इस बार जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आई है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट

और एक साइड क्या कर गई इलांगेट कर गई दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इज लीनियर टर्मलेमेशन तो जब फ्लू फ्लो करेगा उसमें लीनियर डिफॉर्मेशन भी हो सकती है इट मे अंडरगो लीनियर डिफॉर्मेशन जब फ्लूड फ्लो करता है इट मे अंडर गो वॉट इट मे अंडरगो एंगुलर डिफॉर्मेशन अब एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या जरा चेक करो जो दो इनिशियल परपेंडिकुलर साइड थी जो दो इनिशियल परपेंडिकुलर साइड थी इनमें क्या निकल के आया एंगुलर डिफॉर्मेशन निकल के आया यू आर गेटिंग एंगुलर डिफॉर्मेशन हेयर तो ये एंगुलर डिफॉर्मेशन है एल्फा और बीटा तो पहला पॉइंट तो हमने क्या डिस्कस किया पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया है कि जब भी कोई फ्लूड फ्लो करेगा या तो उसमें क्या होगी ट्रांसलेशन मोशन होगी या तो उसमें क्या होगी रोटेशन मोशन होगी या उसमें क्या होगी लीनियर डिफॉर्मेशन होगी या उसमें क्या होगी एंगुलर डिफॉर्मेशन होगी पहले तो ये चार बातें आपको बताई दीद आर दी फोर पॉइंट ऑफ रेफरेंस नाउ रेट ऑफ ट्रांसलेशन मोशन इस टर्म इज वॉट लीनियर वेलोसिटी रेट ऑफ ट्रांसलेशन मोशन विल बी टेक्निकली टर्म डे वॉट लीनियर विलोस फ्लूड का एलिमेंट या फ्लूड का पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है उसको हम क्या बोल देंगे एंड द रेट ऑफ वॉट रेट ऑफ रोटेशनल मोशन इस टर्म डेज वॉट एंगुलर विलोस क्या है मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एंगुलर विलोसि रेट ऑफ ट्रांसलेशन मोशन इज रेट ऑफ रोटेशनल मोशन एंगुलर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो आपको जानकारी दी एंगुलर वेलोसिटी की क्या होती है क्लियर है किसी के लिए एनी ऑफ दू बिस क्लियर है अब बात करते हैं एंगुलर विलोस की डिटेल में तो हमने बोला रेट ऑफ रोटेशनल मोशन इज टर्म डेस्ट एंगुलर विलोसिटी एंगुलर विलोसिटी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जा सकता है एंगुलर को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जा सकता है हम बोल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रोटेशन एवरेज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टू इनिशियली परपेंडिकुलर लाइन जरा देखो ये दो इनिशियली निकाल लू एवरेज रेट ऑफ रोटेशन निकाल लू इन दो ओरिजिनली की उसे मैं क्या बोल दूंगा उसे मैं एंगुलर वेलोसिटी बोल दूंगा क्लियर है चीज लीनियर वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी बोलते हैं बिल्कुल बोल सकते हो या लीनियर वेलोसिटी बोल दो या वेलोसिटी बोल दो क्लियर है चीज क्या लिक्विड में भी डिफॉर्मेशन होती है क्यों नहीं होती है भाई अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो इसका मतलब पिछली क्लासे लगा ही नहीं रहे हो भाई अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो यानी पिछली क्लासे लगा ही नहीं रहे हो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टाइप ऑफ फ्लो बताया था सो फ्लो कैन बी कंप्रेसिबल अगर फ्लो कंप्रेसिबल है मतलब मतलब उसकी डेंसिटी डेंसिटी क्या क्या कर 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 रही 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 है? इसका मतलब क्या हुआ? हो रही है। 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 इसका हुआ? हो इट तो कोई भी आगे वाली चीज समझने से पहले पीछे उसका बेस समझा जाता है तभी आगे वाली बात समझ में आती है सो so, को मैं क्या बोल सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टू इनिशियली लाइन एवरेज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टू इनिशियली एवरेज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टू इनिशियलीपेडिकुलर लाइन विल बी टर्म एंगुलर विलोसिटी एंगुलर विलोस बोल देते हैं अब कई बार आप एंगुलर विलोसिटी सिंबल से भी डिनोट कर सकते हो आप एंगुलर विलोसिटी सिंबल से भी डिनोट कर सकते हो नोटेशन स्टैंडर्ड नहीं है आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन चेंज इट कोई इसमें इशू नहीं है आपको बस बात का मतलब पता होना चाहिए यू शुड नो वट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म तो हमने क्या बोला एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कैसे किया एवरेज रेट ऑफ रोटेशन यानी डी थीटा बाइ डी टी एवरेज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ वॉट टू इनिशियली परपेंडिकुलर लाइन ये दो इनिशियली परपेंडिकुलर लाइन है पहली इनिशियली परपेंडिकुलर लाइन और ये दूसरी इनिशियली परपेंडिकुलर लाइन तो एवरेज रेट ऑफ रोटेशन तो जो मेरी पहली लाइन है इस लाइन का नाम है लड़ा सपोज वन इस लाइन का नाम है लड़ा सपोज टू वन वाली लाइन कितना रोटेट करी डी एल्फा से टू वाली लाइन कितना रोटेट करी डी बीटा से तो एवरेज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टू इनिशियली परपेंडिकुलर लाइन तो रेट ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन वन डी एल्फा बाई डी टी रेट ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन टू इज डी बीटा बाई डी टी इनकी जो एवरेज रेट ऑफ रोटेशन है वो क्या कहलाती है वो हमारी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है तो पहला पॉइंट तो यही दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्लियर है अभी जो एंगुलर वेलोसिटी है इसके आपको तीनों कॉम्पोनेट मिलेंगे एंगुलर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी हो सकती है वाई डायरेक्शन डायरेक्शन में में भी हो में भी हो हो सकती सकती है है जेड अभी मैंने पीछे बताया आप दोनों में से कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो आप इसको डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड भी लिख सकते हो सो दिस इज एज पर योर कन्वीनियंस दोनों में से कोई भी नोटेशन आप यूज करो अच्छा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालोगे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालोगे राइट हैंड रूल से एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालोगे राइट हैंड रूल से ये दो इनिशियली परपेंडिकुलर लाइन रोटेट करी तो इनका रोटेशन निकाला है, मैंने देखो वन लाइन भी गई कहां पर वन डैश पे टू लाइन गई कहां पर टू डैश पे तो जरा चेक करो इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है वर्दी सेंस ऑफ द रोटेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी तो अगर राइट हैंड रूल लगाया अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है भार आने वाली एक्सेस कौन सी होगी जेड एक्सेस इसका मतलब अभी जो मैंने एंगुलर वेलोसिटी उसको, मैं उसको मैं बोलूंगा ओमेगा जेड तो अभी जो यहां पे मैंने निकाली, उसे क्या बोला जाएगा? ओमेगा जेड बोला जाएगा तो जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की वो आप कैसे निकालोगे वो आप निकालोगे राइट हैंड थंब रूल से सो एवरेज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टू इनिशियली थंब रूल कोई पॉइंट रिपीट करना उस परिसन क्लियर है अब मुझे वैल्यू निकालनी है डी एल्फा बाई डी टी की और डी बीटा बाई डी टी की नाउ माई एम इज वॉट अब मेरा एम है कि डी एल्फा बाई डी टी और डी बीटा बाई डी टी की वैल्यू निकालू अब मैं एक्सप्रेशन आपको डायरेक्टली बता सकता था कि भैया रिविजन कोर्स है रट लो रिविजन ही तो कर रहे हो पर वो एक्सप्रेशन आपको कोई डिराइव नहीं करके देगा इसलिए मैं डिराइव कर रहा हूं यहाँ पे कि भैया वो आती कहां से चीज तो ये मेरा एलिमेंट था दिस वॉज माई एलिमेंट तो so सपोज इस एलिमेंट के चार पॉइंट है. है इसकी एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन में वेलोसिटी वी जो डायरेक्शन में वेलोसिटी यू और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वी अब मैं आ गया किस पे पॉइंट बी पे पॉइंट बी हमारा ऊपर है चलो पॉइंट बी अब मैं आ गया पॉइंट बी पे तो अब पे आया जो मेरी वेलोसिटी है यू ये वाई डायरेक्शन में कैसे वेरी कर रही है बाय सो आपको बी पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई एक्स डायरेक्शन के अंदर अब मैं आया पॉइंट डी पे डी पॉइंट पे निकाल ली मैंने वाई डायरेक्शन में कैसे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी थी हमारी वी v में जो वेरिएशन है वो कितना है डेलवी बाई डेल एक्स दोनों के बीच की दूरी कितनी है dx इसका मतलब d पॉइंट पे जो वेलोसिटी आई y डायरेक्शन के अंदर इसका मैग्नीट्यूड कितना है v, v X dx तो इसका मतलब मैंने a b c पॉइंट पे क्या निकाल ली वेलोसिटी निकाल ली चलो वेलोसिटी निकाल ली अच्छी बात है अब जरा चेक करो जो मेरी लाइन थी 1 जो मेरी लाइन थी 1

तो बनाने के लिए स्कोप भी नहीं है मैं ये मिटा रहा हूं तो ये मिटा रहा हूं मैं तो ये मेरा पॉइंट ए था तो पॉइंट ए टाइम इंटरवल में कितनी दूरी चला वाई डायरेक्शन के अंदर इट विलवल टू वी टू डी टी चलो अच्छी बात है जो हमारा पॉइंट डी था इसकी वेलोसिटी कितनी थी इसकी वेलोसिटी थी वी डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स इसका मतलब जो मेरा पॉइंट है डी ये कितनी दूरी चल जाएगा वाई डायरेक्शन में ये जो दूरी चलेगा ये होगी v डेल v बाय डेल x इन डी एक्स डी टी ये d पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट निकल के आई तो ये d था ये हमारा d डैश हो जाएगा ये a था ये a डैश हो जाएगा तो a पॉइंट आ गया a डैश पे d पॉइंट आ गया d डैश पे तो जरा आप मुझे बता सकते हो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या है तो अगर मैं ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालना चाहूं वर्टिकल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू to del बाय by del x into dx into dt. तो ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस निकल के आ गया यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने निकाल ली बेस कितना है हमारा डीएक्स तो डी एल्फा बाई डीटी तो डी एल्फा लिखा हुआ है डिवाइड कर दिया डी से तो डी टी क्या कर जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा तो डी टी क्या, तो क्या कर जाएगी भैया कैंसल आउट हो जाएगी इट विल गेट आउट क्लियर है चीज रिपीट करना है इस पहले कुछ भी एनी ऑफ दू रेस एनी वन चले आगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस रेफरेंस ये तो हमारा था बेस कितना है dx तो dx भी आउट हो गया। तो अगर मैं next page पे जाऊं इफ आई गो ऑन दी नेक्स्ट पेज तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएं, हमने d अल्फा की वैल्यू निकाली d अल्फा की वैल्यू कितनी थी परपेंडिकुलर सो दिस वाज परपेंडिकुलर दिस वाज बेस ये हमारा बेस था हमने निकाला डी एल्फा बाई डी टी इसका मतलब इसको डिवाइड कर दिया किससे डी टी से तो डी टी डी टी सो डी टी डी गेट आउट और dx डी एक्स भी क्या कर जाएगा डी एक्स भी हमारा कैंसल आउट कर जाएगा इसका मतलब डी एल्फा बाई डीटी किसके बराबर आ गया इसका मतलब डी एल्फा बाई डीटी किसके बराबर आ गया डी एल्फा बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स उसी तरीके से डी बीटा बाई डीटी किसके बराबर आ गया डी बीटा बाय डी टी आ गई हमारी माइनस डेल वी बाय डेल वाई माइनस डेल वी बायल वाय तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी मेरी एंगुलर वेलोसिटी थी रेट ऑफ रोटेशन कौन सी रेट ऑफ रोटेशन एवरेज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस डी अल्फा बाय डी टी की वैल्यू कितनी निकाली आपने डी अल्फा बाय डी टी की वैल्यू निकाली आपने डेल वी बाय डेल एक्स डी बीटा बाय डी टी की वैल्यू कितनी निकाली आपने डी बीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट डेल यू बाईल इन विच डायरेक्शन एंगुलर इन डायरेक्शन कैसे राइट हैंड समूल से इट वॉज फाउंड यूजिंग राइट हैंड समूल अब अगर यह एंगुलर विलोसिटी है हमारी किस डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में तो आप एक्स और वाई में भी निकाल सकते हो एक्स और वाई में भी निकाला हुआ है सो ये फाउंड देंगुलर विलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन अब आप बोलोगे सर ये याद कैसे रखू अब मैंने कैसे याद किया हुआ इसे हाउ आई हैव रिमेंबर्ड अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है एक्स डायरेक्शन में अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है एक्स डायरेक्शन में तो सबसे पहले तो मैंने क्या लिख दिया डी वाई डीजेड सबसे पहले तो एक्स के बाद वाई वाई के बाद जेड तो डी वाई डीजेड लिख दिया हाफ तो हमारा कॉमन है ही अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो बचे हुए कोऑर्डिनेट एक्सिस की वेलोसिटी तो वाई और जेड है वाई में जेड वाली विलोसिटी और जेड में वाई वाली विलोसिटी इसका मतलब ऊपर आएगा डी डब्ल्यू यहां पर आएगा डी वी तो याद हो गया आगे बढ़े ओमेगा वाई वाई के बाद क्या है जेड और जेड के बाद क्या है एक्स डी जेड डी एक्स तो डी जेड और डी एक्स लिख दिया डी जेड में एक्स वाली विलोसिटी डी यू और डी एक्स में जेड वाली वेलोसिटी डी डब्ल्यू तो ये एक तरीका हो गया इसको याद रखने का मैंने तो आपको डिराइव करके बताया बट हाउ टू रिमेंबर दैट आई हियर

ये मेरी कौन सी वेलोसिटी है? है. तो तो हाँ हाँ है अब डेल क्रॉस वी को कैसे लिख सकते हैं हाउ कैन बी राइट डेल क्रॉस वी डेल क्रॉस वी, वी हमारा डिटरमिनेंट बन गया सो दिस इज अवर डिटरमिनेंट आई जे के लिखा डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी बाई जेड लिखा और तीनों की वेलोसिटी लिख दी यू वी डब्ल्यू तो आपको जो भी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो कैलकुलेट इट्स डिटर्मिनेंट विल गेट द रिजल्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा सो so, एंगुलर वेलोसिटी इज द एवरेज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टू इनिशियली परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालते हैं हाफ डेल क्रॉस वी क्लियर चीज तो अगर मेरा फ्लो अगर मेरा फ्लो इन रोटेशनल है यानी उसमें रोटेशन नहीं है तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी जीरो आनी चाहिए सो वी कैन से इफ एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो तो फ्लो क्या हो जाएगी फ्लो रोटेशनल हो जाएगी पर अगर फ्लो रोटेशनल है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी फाइनाइट वैल्यू इट विल बी नॉन जीरो तो वो नॉन जीरो वैल्यू होगी तो ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है जैसे तो एंगुलर वेलोसिटी कोई सही पॉइंट रिपीट करना उस पे थे आप any of the point to be pivoted on this for anyone clear hai to ye bhi hamare flow ki property hai to jaise kal acceleration tha aaj angular velocity hai rate of translation motion kya ho jayega linear velocity ho jayega ye linear velocity so rate of translation motion is linear velocity तो इसको तो हमने discuss कर ही रखा है दिस वी हैव डिस्कस्ड आगे बढ़ते हैं will continue।

तो सिटी क्या निकल के आएगी फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी इट विल कम आउट टू बी अ फाइनाइट वैल्यू तो एक्सेलरेशन ट्रांसलेशन यानी लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और साथ में क्या है। अलोंग सिटी अलॉन्ग विदिटी इज ऑल्सो देयर। इसके साथ वॉटर सिटी भी चलती है चले आगे इफ ट्वाइस ओनली देन बाई बी नीड इट टू ओ भी तो लिख सकते थे बिल्कुल लिख सकते थे तो वाई इट इज़ नीडेड उसके लिए पूरा अब भैया एफ को बनने में लगे हजारों साल मैंने आपको ये बताया कितने बजे हैं अभी अभी टाइम हुआ है छः बज के फिफ्टी नाइन मिनट्स चालू हुई थी क्लास हमारी छः बज के मान लो चालीस मिनट पे बीस मिनट हुए ये टॉपिक बताते हुए मुझे हुए पंद्रह मिनट जिस चीज़ को बनने में हजारों साल लगे मैंने आपको पंद्रह मिनट में बताया आपको उसका सिग्निफिकेंस भी जानना है अब एक बार पूछो अपने आप से अपने आप से पूछो कि भैया क्या इसका मैं सिग्निफिकेंस इतनी जल्दी जान पाऊंगा तो उसके लिए भैया मेरी पूरी बात तो खत्म होने दो अभी तो बस डिफाइन ही किया इसको मैंने इतनी जल्दी अगर आप अपने पेपर में दिखाओगे ना तो मेरे ख्याल से टॉप कर जाओगे तो ये जल्दी पेपर में दिखानी चाहिए ये जल्दी समझने में नहीं दिखानी चाहिए समझने में टाइम लगता है अभी टाइम लगेगा अभी तो बस मैंने डिफाइन ही किया आई एव सिंपली डिफाइंड इट चले आगे चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस नेक्स्ट ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज अगली प्रॉपर्टी फ्लो की द नेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज सर्कुलेशन जो अगली प्रॉपर्टी है हमारे फ्लो की इसको हम क्या बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं सर्कुलेशन अब सर्कुलेशन कैसे डिफाइंड है सर्कुलेशन कैन बी डिफाइंड एज लाइन इंटीग्रल ऑफ

सर्कुलेशन हमेशा निकाली जाएगी एक क्लोज को समझाने के लिए एक क्लोज गर्व बना के दी हुई है आपको दी क्लोज कर्व शोन टू यू दी फ्लो लाइन भी दिखा रखी है आपको हमने बोला जो सर्कुलेशन है जो सर्कुलेशन है ये लाइन इंटीग्रल है लाइन इंटीग्रल है और किसके अलॉन्ग है क्लोज कर्व के अलोंग है तो इंटीग्रल इंटीग्रल अलोंग क्लोज कर्व इसको बताने का तरीका क्या किया एक क्लोज गर्व बना दी अब कोई सर्कल ही क्यों बनाया क्लोज गर्व तो रेक्टेंगल भी हो सकती है हाँ भैया बना सकते हो क्लोज तो भी हो सकती है हाँ भैया ये भी क्लोज है बनाना आसान पड़ता है इसलिए गोला बना देते हैं बाकी आप कोई से भी क्लोज कर बना सकते हो यू मे ड्रॉ एनी ऑफ क्लोज गर्व तो ये लाइन इंटीग्रल है किसका टेंजेंशियल कॉम्पोनेट ऑफ दिलोसिटी का इफ इज टेंजेंशियल कॉम्पोनेट ऑफ विल बी इक्वल टू वॉट वी कॉ सीटा इसका मतलब लाइन इंटीग्रल करो v cos थीटा का किसके लॉन्ग क्लोज कर्व के लॉन्ग इसका मतलब इसको मैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकता हूं जैसे मेरी एंगुलर वेलोसिटी और क्रॉस प्रोडक्ट था ये क्या है डॉट प्रोडक्ट है सो यू कैन से सर्कुलेशन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी एस थीटा आ जाएगा जैसे डॉट प्रोडक्ट निकालोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल कॉम्पोनेट ऑफ द वेलोसिटी अब जो हमारी विलोसी है वो किसके बराबर है यू कॉम्पोनेंट वी कॉम्पोनेंट डब्ल्यू कॉम्पोनेंट तीनों डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट आ गए और जो डी है वो किसके बराबर है डी एक्स डी डी के बराबर है डॉट प्रोडक्ट निकाला डॉट प्रोडक्ट निकाला आई डॉट आई वन पर आई डॉट जे और के कितना है जीरो जे डॉट जे वन बट जे डॉट आई और के कितना है जीरो के डॉट के वन बट के डॉट आई और जे कितनी है जीरो इसका मतलब हमारी सर्कुलेशन क्या निकल के आ गई डायरेक्ट सर्कुलेशन इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी सेड यह हमारी सर्कुलेशन होती है दिस इज बिंग टर्म सर्कुलेशन इसका मतलब ये निकल के आया इसका मतलब ये निकल के आया इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर आपका फ्लो इन रोटेशनल है इफ दी फ्लो इज इन रोटेशनल तो आपकी सर्कुलेशन भी क्या निकल के आएगी सर्कुलेशन भी जीरो निकल के आएगी यानी रोटेशनल इन रोटेशनल फ्लो बताने के लिए आपके पास तीन पैरामीटर आ गए एक एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा वोटिसिटी और तीसरा सर्कुलेशन इक्वेशन कैसे आया कौन सा इक्वेशन कैसे आया भाई अब आप बोलो सर ये इक्वेशन कौन से आया एक दो तीन 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 इक्वेशन लिखी हुई मैंने अब मुझे क्या पता आप कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हो मुझे कैसे पता आप कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हो भाई सर डीएस बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डीएस बार नहीं है भाई वेक्टर क्वांटिटी है एस। वो बोल रहा है एस बार। अरे भैया वेक्टर है। ये है हमारा डीएसकांट डी एक्स इसका वाई कॉम्पोनेंट डी वाई और बोर्ड के अंदर इसका जेड कॉम्पोनेंट डी जेड अभी कल ही तो बताया था स्ट्रीमलाइन के अंदर स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन ऐसे डिराइव करी थी मैंने सेम मेथड वॉज बींगीएस बाहर नहीं है डीएस के ऊपर वैक्टर बना के दिया हुआ है आपको वैक्टर इज बीन शोन देअर इंटीग्रल का भी तो साइन होगा हाँ इंटीग्रल का साइन भी है उसको अकोमोडेट किया हुआ है ना यहाँ पे दैट इज बिंग अकोमोडेटेड सेकेंड सेकेंड एंड लास्ट इक्वेशन समझ नहीं पाया सेकेंड और लास्ट इक्वेशन इसलिए समझ में नहीं आया कि हमने बचपन में वैक्टर नहीं पढ़े इसलिए सेकेंड और लास्ट इक्वेशन समझ में नहीं आई भैया वे जो वेलोसिटी है अभी पीछे लिखी थी वेलोसिटी यू वी के मेरे वेलोसिटी के तीनों कॉम्पोनेंट फिर जो ds है लो अब समझ में आ जाएगा dx i इसका वाई कॉम्पोनेंट और इसका जेड कॉम्पोनेंट तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन के कॉम्पोनेंट लिख दिए फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो हमने लिखा वी डॉट डी एस तो वी डॉट डी एस तो जब वी डॉट डी एस निकाला तो u इंटू डी एक्स आया u इंटू डी एक्स आई i आई आई इंटू आई वन होता है आई इंटू आई वन होता है फिर आगे निकाला टू डी वाई सो यू इंटू डी वाई आई इंटू जे ये भैया जीरो होता है दिस इज जीरो और इस चीज को फिर आगे मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था बोल के भी बताया था कैरी फॉरवर्ड भी किया था टोटल नौ टर्म आएंगे इसके अंदर देर विल बी इन टोटल नाइन टर्म जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा नौ टर्म आएंगे नौ में से छह टर्म जीरो हैं नौ में से छह टर्म जीरो हैं कौन से छह टर्म जीरो हैं आई का डॉट प्रोडक्ट वाई और K के साथ यानी जे और के के साथ जीरो J का डॉट प्रोडक्ट I और K के, के साथ जीरो K का डॉट प्रोडक्ट I और J के साथ जीरो अब बेसिक वेक्टर की नॉलेज है बस आई डॉट आई वन होता है जे डॉट जे वन है और के डॉट के वन है तो तीन चीजें बच जाएंगी वो तीन चीजें लिख दी यहां पे तो ये तीन कॉम्पोनेंट लिखे हुए है हैं अब फिर बोलोगे सर धीरे पढ़ाते हो अब ये बातें भी बतानी पड़ेंगी अगर मुझे इसके बाद बाकी और भी टर्म्स हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नो no टर्म्स। चले आगे चलो आगे बढ़ते हैं सो विल कंटिन्यू चल कंटिन्यू आप में बहुत एटीट्यूड है सॉरी तो होना ही चाहिए और सॉरी क्यों बोल रहे हो भाई भाई एटीट्यूड तो होना ही चाहिए सब में एटीट्यूड होना चाहिए और मुझे भी पता है ये बात तो तुम क्या बता रहे हो भाई मेरे को तो स्टेटमेंट समझ में नहीं आई आप में बहुत एटीट्यूड है सॉरी तो जैसा सवाल था वैसे ये स्टेटमेंट है चलो आगे बढ़ते हैं हो गया कंटिन्यू करते हैं आगे हाँ सो so, हम बात कर रहे थे किसकी uh, हम बात कर रहे थे क्या वी वर टॉकिंग अबाउट सर्कुलेशन तो सर्कुलेशन की बात कर रहे थे सर्कुलेशन निकल के आ गया सो so, सर्कुलेशन निकल के आ गया सो वी हैव अबाउट सर्कुलेशन फिर हमने बात करी किसकी uh, हमने बात करी कि रोटेशनल इर रोटेशनल फ्लो बताने के लिए कितने पैरामीटर है हमारे पास रोटेशनल इोटेशनल फ्लो बताने के लिए हमारे पास तीन पैरामीटर आ गए पहला एंगुलर वेलोसिटी दूसरा आ गया हमारे पास द सेकंड ऑफ द पैरामीटर वाज वोटिसिटी और तीसरा पैरामीटर क्या आ गया सर्कुलेशन द थर्ड ऑफ द पैरामीटर इज सर्कुलेशन अगर इन तीनों की वैल्यू जीरो निकल के आ जाती है या तीनों में से कोई सी भी एक वैल्यू जीरो निकल के आ जाती है इसको मैं क्या बोल दूंगा फ्लो हमारा इरोटेशनल है फ्लो कम्स आउट टू बी इरोटेशनल पर अगर इन तीनों में से किसी भी एक पैरामीटर की वैल्यू फाइनाइट आ जाती है फ्लो हमारा क्या हो जाएगा फ्लो हमारा आ जाएगा रोटेशनल अब आगे बढ़ते हैं विल कैरी फॉरवर्ड जरा देखो इफ सर्कुलेशन एट अ पॉइंट इन अ फ्लूड फ्लो इज जीरो फ्लो फ्लो इज रोटेशनल तो हमारा इरोटेशनल हो गया अब इस बात को क्या करते हैं इस बात को प्रूव करते हैं विल प्रूव दिस पॉइंट इस बात को प्रूव करने के लिए पीछे एलिमेंट दिया हुआ था एलिमेंट को मैं दोबारा बनाता हूं आई ड्रॉ दिस एलिमेंट अगेन एलिमेंट था एलिमेंट ए बी सी डी तो ये हमने एलिमेंट कंसिडर किया था एलिमेंट कंसिडर किया था जरा विलोसीज बताना मेरे को कि मैंने विलोसी यही लिखी थी ना इट्स विलोसी वॉज यू इसकी विलोसी थी वी फिर दिस वेलोसिटी वाज इक्वल टू ये वेलोसिटी इसकी निकल के आ रही थी दिस वेलोसिटी वाज इक्वल टू यू प्लस डेल यू बाय डेल एक्स इन टू डी एक्स दिस वेलोसिटी वाज हो मच ये वेलोसिटी थी हमारी वी डेल वी बाय नहीं ये वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में है ये वेरिएशन है हमारे वाई के रिस्पेक्ट में सो डी वाई फिर हमने लिखी थी डी वी बाई डी एक्स इन डी एक्स लाल कलर की पेन उठाओ और इसको कंप्लीट करो सो so, इसको कंप्लीट किया ये हमारी वेलोसिटीज थी वर दी वेलोसिटीज वर बीइंग कंसीडर्ड तो ये हमने एलिमेंट पीछे वाला कंसीडर किया हुआ था दिस एलिमेंट वाज बीइंग कंसीडर्ड मैंने दोबारा से वेलोसिटी लिख दी है अगेन दी आई हैव रिटन तो हम बात किसकी कर रहे थे हम बात कर रहे थे सर्कुलेशन uh, की वी वर टॉकिंग अबाउट दी सर्कुलेशन तो अगर हमारी सर्कुलेशन क्या निकल के आ जाए अगर हमारी सर्कुलेशन निकल के आ जाती है क्या अगर हमारी सर्कुलेशन निकल के आ जाती है जीरो हम क्या बोल देंगे फ्लो हमारा इररोटेशनल है फ्लो कम्स आउट टू भी इोटेशनल अब आगे एक पॉइंट को प्रूव करना है हमने बोला लेट फ्लो बी टू डायमेंशनल फ्लो हमारा टू डायमेंशनल है दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई तो हमने बोला हमारा फ्लो क्या है टू डायमेंशनल है ये डायमेंशन है डी एक्स और ये वाली डायमेंशन है डी वाई तो मैंने दोबारा से उस एलिमेंट को रिक्रिएट करके दे दिया है Again, that is अब हमें क्या निकालनी है अब हमें सर्कुलेशन सिंस फ्लो इज टू डी क्योंकि फ्लो हमारा टू डी है मैंने जेड डायरेक्शन के फ्लो को कंसिडर नहीं किया अब मैं जेड की जगह एक्स और वाई डायरेक्शन वाले फ्लो को भी कंसिडर नहीं कर सकता था बट इन जनरल क्योंकि आदत बनी होती है सबकी हमने जेड डायरेक्शन वाले फ्लो को कर दिया, तो दो डायरेक्शन में फ्लो दिखाया अब सर्कुलेशन कैलकुलेट करते हैं अब U dx. आ गया पहला कॉम्पोनेंट यू इंटू डी एक्स इस वाले कॉम्पोनेट में कोई डाउट हो किसी को क्लियर है अगला कॉम्पोनेंट

चलो नेक्स्ट अब मैं जा रहा हूं सी से बी पे नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम सी टू बी अब मैं जा रहा हूं सी से बी पे इफ आई एम गोइंग फ्रॉम सी टू बी अगर मैं सी से बी पे जा रहा हूं चेक वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एक्स में है मैंने यहां पे माइनस साइन लगा दिया आई हैव यूज माइनस साइन u प्लस डेल यू बाई डेलवाई इंटू डी वाई यू प्लस डेल यू बाई डेल वाय टू डी वाई दिस इज इक्वल टू वॉट वेलोसिटी u मल्टीप्लाई कर देंगे डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया डीएक्स के साथ तो यू इंटू डी एक्स तो ये आ गया मेरा तीसरा कॉम्पोनेंट फिर आया मैं बी से ए पे मैं आया बी से ए पे जब बी से ए पे आऊंगा वेलोसिटी है पॉजिटिव आई एक्सिस में मैंने लगा दिया माइनस वी तो वेलोसिटी किसके अंदर है हमारी पॉजिटिव आई एक्सिस में पर मैं बी से ए आ रहा हूं तो माइनस वी लगा दिया वी इंटू डी वाई तो ये हमारी सर्कुलेशन निकल के आई दिस इज अवर सर्कुलेशन तो कैसे मूव किया हमने अलोंग अ क्लोज पाथ तो हमारे क्लोज पाथ की मूवमेंट थी ए डी सी बी और फिर ए सो दिस वॉज दी मूवमेंट अलोंग दी क्लोज पाथ जरा सॉल्व करो इसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं कैंसल्ड आउट कैंसल्ड आउट वी कैंसल्ड आउट ये भी कैंसल आउट हो गया तो सर्कुलेशन क्या निकल के आती है सर्कुलेशन आती है डेल वी बाय डी एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी एक्स इन डी वाई क्या लिखा हुआ है व्हाट इज दिस डेल वी बाय एक्स डेल यू बाय डेल ये हमारी क्या होती है वोटिसिटी तो ये वोटिसिटी लिखी हुई है और डी एक्स इंटू डी वाई क्या लिखा हुआ है डी एक्स इंटू डी वायर एरिया ऑफ द एलिमेंट इसका मतलब सर्कुलेशन किसके बराबर आ गई इट मीन सर्कुलेशन इज इक्वल टू वॉट इट मीन्स अवर सर्कुलेशन इज इक्वल टू वॉटिसिटी इन टू एरिया ऑफ द एलिमेंट इसका मतलब यह हुआ यू कैन से वॉटिसिटी इज इक्वल टू सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया इसका मतलब यह हुआ वॉटिसिटी इज इक्वल टू सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया तो एक नई चीज निकल के आ गई या एक नया रिलेशनशिप आ गया और यहां से हम समझ सकते हैं कि जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी थी हमने ये वॉटिसिटी का कंसेप्ट क्यों डेवलप किया िस आई कैन कंक्लूड इफ एंगुलर फिलोसल क्योंकि वॉटिसिटी को तो क्या बोल दिया था ट्वॉइस ऑफ एंगुलर फिलोस मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि वोटिसक्वल टू वॉट टॉइस ऑफ एंगर फिलोस ये तो मैथमेटिकल रिलेशन है ना पर वोटेसिटी इज इक्वल टू सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया अब मैंने इस कंसेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया इस कंसेप्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया कई बार आपको ऐसे फ्लो मिलेंगे कई बार आपको ऐसे फ्लो मिलेंगे जिसमें एरिया बहुत ज्यादा होगा तो आप कैलकुलेशन किसके टर्म में करोगे पर यूनिट एरिया के टर्म में और यह कंसेप्ट आप अपनी इंजीनियरिंग के हर एस्पेक्ट में लगाते हो जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल लेटे सपोज ये डैम है जैसे डैम या एक रिटेनिंग वॉल है इसको डैम मान लो या रिटेनिंग वॉल मान लो कुछ भी मान लो अज्यूम इट टू बी अ डैम और रिटेनिंग वॉल अगर मुझे इसके ऊपर फोर्सेस निकालने हैं मैं कैसे फोर्स निकालता हूं मैं निकालता हूं फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर मुझे इस डैम के ऊपर फोर्स निकालना है या रिटेनिंग वॉल के ऊपर फोर्स निकालना है मैं इसकी लंबाई कितनी मान लेता हूं मैं इसकी लंबाई मान लेता हूं वन यूनिट क्यों क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कंपेरिटिवली बहुत बड़ी है इसकी विध और हाइट के कंपेरिजन में तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पर यूनिट लेंथ और जब टोटल फोर्स निकालना होता है लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लियर है तो एक एग्जाम्पल दिया आपको इस कंसेप्ट का सेम कहानी यहां पर जब आपको सर्कुलेशन चेक करना होगा फ्लो के अंदर जब आपको सर्कुलेशन या रोटेशन चेक करना होगा फ्लो के अंदर ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स आएंगे जिनका एरिया बहुत बड़ा होगा सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दी इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दी टोटल रोटेशन आप रोटेशन कैसे निकालोगे इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दी टोटल रोटेशन आप रोटेशन कैसे निकालोगे पर यूनिट एरिया निकालोगे और पर यूनिट एरिया के टर्म में अगर आपने रोटेशन कैलकुलेट करी उसे क्या बोला जाता है उसे वोटिसिटी बोला जाता है तो एक पैरामीटर का नाम रख दिया वॉटिसिटी क्यों बनाया है उसको भैया कैलकुलेशन आसान हो जाएगी सो यू कैन से वॉटिसिटी इज इक्वल टू सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया या बोल सकते हो सर्कुलेशन इज इक्वल टू तो वॉटिसिटी इन इनटू एरिया तो एक ही बात है इट इज वन एंड द सेम थिंग क्लियर है रिपीट करना है इस पर से कुछ भी इसमें से कुछ भी रिपीट करना हो सॉरी क्लियर आगे चलो आगे बढ़ते हैं सो विल कंटिन्यू देखो अब सवाल करो इसके ऊपर तो कौन कौन से पैरामीटर कर लिए हमने कल एक्सेलरेशन कर ली फिर हमने कर ली एंगुलर वेलोसिटी फिर हमने कर ली देन वी हैव टॉक्ड अबाउट वाटेसिटी और वोटेसिटी के बाद हमने कर लिया आफ्टर वाटेसिटी वी हैव टॉक्ड अबाउट सर्कुलेशन उसके बाद हमने सर्कुलेशन कर ली अब सवाल देखते हैं

चलो आगे बढ़ते हैं एक ही सवाल था किसमें आया हुआ था ये एस एस तो एक में प्रॉब्लम आई हुई थी हंस क्यों रहे हो भाई तुम मेरा मतलब क्या रहे हो क्लोज कॉन्टूर क्यों लेते हैं सर्कुलेशन डिफाइंड ही ऐसे ना सर्कुलेशन इज डिफाइंड लाइक दिस सर्कुलेशन तो को डिफाइन किया था ये लाइन इंटीग्रल है टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी का अलोंग अ क्लोज कर्व क्योंकि तभी तो वो सर्कुलेशन बताएगा तभी तो आपको वो सर्कुलेशन की जानकारी रोटेशन की इंफॉर्मेशन देगी <coughs> हाँ चलो आगे चलते हैं सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट आज आपकी काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगी सो टुडे विल बी फिनिशिंग विद काइनेमेटिक्स एंड बी एंटरिंग डायनेमिक्स, सर ये कहाँ यूज होगा वॉटर सिटी रोटेशन डिसाइड करने के लिए यूज होगा इन केस ऑफ दो कंपेरिटिवली वेरी हाई एरिया इज वेरी हाई जैसे एग्जाम्पल देता हूँ स्पिलवे जैसे एग्जाम्पल देता हूँ स्पिलवे अब एक स्पिलवे ये भी होता है हमारा दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्पिलवे ये हमारा स्पिल है इरीगेशन में करेंगे विल डिस्कस दिस कौन सा स्पिल वे अगर किसी को पता हो तो बताना दिस इज टाइप ऑफ स्पिलवे ये कौन सी स्पिल वे है हमारी कल से आपका इरीगेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें आएगा ये ये स्पिलवे है हमारा दिस इज दिल वे तो ये हमारी स्पिल वे है अब आप बोल रहे सर वोटरसिटी कहाँ पर यूज होगी देखो वोटरसिटी यहां पर यूज होगी इस एग्जाम्पल में हम वोटरसिटी यूज कर सकते हैं सो फ्लो अलॉन्ग दी स्पिलवे मेरे को ये चेक करना है

अगर आप रोटेशनल बिहेवियर चेक करोगे पर यूनिट एरिया मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ जाएगी आई टेक द हेल्प ऑफ दी वोटर सिटी बाकी एंगुलर वेलोसिटी तो है ही मेरे पास पर जब एंगुलर वेलोसिटी निकालने बैठूंगा दी वैल्यू ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी विल कम आउट टू बी बंपेरेटिवली वेरी बिग इतनी बड़ी वैल्यू उसको आप डील नहीं कर पाओगे क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं खत्म इस बात की तो डिस्कशन हो गई आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज वॉट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस वेलोसिटी पोटेंशियल और पोटेंशियल फंक्शन ये हमने डिस्कस कर रखा है मैकेनिक्स मैकेनिक्स के अंदर soil mechanics भी करा रखी है मैंने आपको किचन सिंक में भी आता है किचन सिंक पे भी यूज कर सकते हो अब देखो जैसे, जैसे बोला किचन की सिंक अगर किचन की सिंक में मुझे चेक करना है रोटेशनल बिहेवियर है या नहीं है मैं एंगुलर वेलोसिटी को यूज कर लूंगा क्योंकि किचन की सिंक का जो एरिया है वो कंपेरेटिवली छोटा है मेरी वैल्यूज छोटी निकल के आएंगी जिससे मैं डील कर पाऊँ विदविच वी कैन डील तो वैल्यूज छोटी निकल के आएंगी मैं आसानी से डील कर पाऊंगा जैसे एग्जाम्पल देता हूं अभी कुछ बोलेगा सर डील करने का मतलब क्या होता है डील करने का मतलब ये होता है मेरे को आपको ये बताना है मेरे को आपको ये बताना है कि आपकी जो अगली क्लास है वो कब होगी जैसे इसकी अगली क्लास कब होगी अब जैसे आपके एफ का जो कोर्स चल रहा है अभी इसकी नेक्स्ट क्लास कब होगी अब आई हेव टू डिस्कस दिस पॉइंट मेरे को आपको टाइम बताना है तो दो तरीके बताने के मैं बोल सकता हूं एफ एम की अगली क्लास कल होगी क्लियर है तो मध्यम मार्ग ने बोला कल होगी कल मतलब एक दिन बाद तो मैं बोल सकता हूं एक दिन बाद तो जब मैंने यह बोला एक दिन बाद आपको समझ में आ गया आपको समझ में आ गया पर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं एट सिक्स फोर डबल जीरो सेकेंड्स बाद फिर आप बोलोगे सर सॉरी ये क्या हो गया देखो इसमें कितना एटीट्यूड है कितनी बड़ी वैल्यू लिख दी इसने तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बोलूं एक दिन इसको हैंडल करना आसान है पर अगर मैं बोलूं एट सिक्स फोर डबल जीरो सेकंड इसको हैंडल करना मुश्किल है क्लियर है चीज तो इसीलिए ऐसा पैरामीटर उठाया जाता है जिससे डील करना आसान पड़ जाए क्लियर है बात चलो आगे बढ़ते हैं फिर आप बोलोगे सर टाइम बताने के लिए तो डे था टाइम बताने के लिए सेकेंड क्यों किया बोल सकते हो ना आप कि सर टाइम बताने के लिए तो डे था टाइम बताने के लिए सर सेकंड क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया हम ऐसे भी तो बोल सकते थे वन डे इज इक्वल टू एट सिक्स फोर डबल जीरो सेकेंड जैसे भी बोल रहे थे सर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हाँ बोल सकते हो पर दोनों का यूज अलग अलग है यूज ऑफ बोथ इज डिफरेंट अब आगे बढ़ते हैं सो विल कंटिन्यू सो नेक्स्ट ऑफ द पैरामीटर इज वॉट अगला पैरामीटर क्या है अगला पैरामीटर है हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल या पोटेंशियल फंक्शन Uh, क्या है वेलोसिटी पोटेंशियल और पोटेंशियल फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम ये स्केलर फंक्शन है किसका स्पेस और टाइम का अगर मैं स्पेस बोलूं इस बात का मतलब क्या हुआ इफ आई एम सेइंग स्पेस स्पेस का मतलब हो गया एक्स वाई जेड और टाइम मतलब टी तो टाइम मतलब टी तो वेलोसिटी पोटेंशियल फाइव इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ व्हाट ये स्केलर फंक्शन होता है स्पेस और टाइम का इस तरीके से कि अगर आप इसका नेगेटिव डेरिवेटिव निकालो किसी भी डायरेक्शन में ये आपको क्या बता देगा इस तरीके से कि अगर आप इसका नेगेटिव डेरिवेटिव निकालो किसी भी डायरेक्शन में ये आपको उस डायरेक्शन की वेलोसिटी बता देगा सो इफ आई से माइनस नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आपको एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बता देगा अगर आपने नेगेटिव डेरिवेटिव निकाला पोटेंशियल फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई ये आपको वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बता देगा अगर आपने नेगेटिव डेरिवेटिव निकाला पोटेंशियल फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू जेड ये आपको जेड डायरेक्शन की विलॉसि बता देगा डायरेक्शन ऑफ विफी नहीं बताता राजू यादव अरे भाई क्या बोलने लग जाते हो हद यार किसने बोला डायरेक्शन ऑफ वि मैं बोल रहा हूं कि अगर आप पोटेंशियल फंक्शन का नेगेटिव डेरिवेटिव निकालो किसी भी डायरेक्शन में ये आपको उस डायरेक्शन की विलॉसी बता देगा ये डायरेक्शन ऑफ विलॉसि नहीं बताएगा ये आपको उस डायरेक्शन की वेलोसिटी बता देगा तो पोटेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स डायरेक्शन में यह आपको एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बताएगा पोटेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स डायरेक्शन में किया अब वाई डायरेक्शन में किया तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आई पोटेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जेड डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी आई और डेरिवेटिव कैसा नेगेटिव डेरिवेटिव हां ओनली मैग्नीट्यूड क्यों ओनली मैग्नीट्यूड यह कैसा फंक्शन है यह स्केलर फंक्शन है जो हमारा पोटेंशियल फंक्शन है ये क्या है हमारा स्केलर फंक्शन है क्लियर है अभी मैंने कौन से कोऑर्डिनेट लिए अभी मैंने कोऑर्डिनेट लिए अभी मैंने कोऑर्डिनेट लिए कार्टेशियन अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लूं इफ आई टेक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से माइनस डी फाइव बाई डी आर इज इक्वल टू वी आर रेडियल डायरेक्शन की अगर मैं लू माइनस डी फाइव बाई डी थीटा दिस विल बी इक्वल टू आर वी थीटा इसका मतलब रोटेशनल वेलोसिटी अगर मैं लू माइनस डी फाइव बाई डी जेड यानी कौन सी फिलोसिटी वी जेड कल बताई थी आपको मैंने ये ये तीन so तो ये हमारे कार्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है दिस इजॉसिटी वी आर दिस इज दिलॉसिटी वी जेड एंड दिस इज दी वी थीटा ये हमारी वेलोसिटी है vθ. सॉरी तो वेलोसिटी पोटेंशियल या पोटेंशियल फंक्शन एक स्केलर फंक्शन होता है स्पेस और टाइम का इस तरीके से कि अगर आप नेगेटिव डेरिवेटिव लो इसका किसी भी डायरेक्शन में ये आपको उस डायरेक्शन की क्या निकाल के दे देगा ये आपको उस डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल के दे देगा इट विल गिव वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन क्लियर चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट बोलता है ये जो फंक्शन है जिसका हमने नाम क्या रखा वेलोसिटी पोटेंशियल या पोटेंशियल फंक्शन ये जो हमारा फंक्शन है ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ किसके लिए ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ आइडियल इन रोटेशनल फ्लो के लिए अब ध्यान से सुनना सवाल मिलेगा इसके ऊपर यू विल फाइंड अ डेफिनेट प्रॉब्लम ऑन दिस सो वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है सिर्फ कौन से फ्लो के लिए फ्लो हमारा एक तो आइडियल हो और फ्लो हमारा कैसा हो इोटेशनल हो सो वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट ओनली फॉर इोटेशनल फ्लो अब आप बोलोगे सर कैसे इस बात को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट मूव फॉरवर्ड सो अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट ओनली फॉर वोटेशनल फ्लो अगर आइडियल है इसका मतलब विस्कोसिटी कितनी है जीरो है इनविसिड होना चाहिए हमारा Fluid. तो ये वैलिड है सिर्फ किसके लिए इन रोटेशनल फ्लो के लिए अब कैसे निकालू जरा ये बताना फ्लो का रोटेशनल बिहेवियर चेक करने के लिए कितने पैरामीटर है फ्लो का रोटेशनल बिहेवियर चेक करने के लिए तीन पैरामीटर है एंगुलर वेलोसिटी है वोटिसिटी है और सर्कुलेशन है अब मैंने किसकी मदद ले ली यहां पे? मैंने एंगुलर वेलोसिटी की मदद ली क्यों वोटिसिटी की क्यों नहीं ली क्योंकि एरिया कहीं पे इन्वॉल्व ही नहीं है जहां आपको एरिया मिल जाएगा वहां पर मैं किसे यूज करने लग जाऊंगा वहां पर मैं यूज करने लग जाऊंगा वोटिसिटी को देर आल बी यूजिंग क्योंकि वो भी मुझे बताता है कि फ्लूड हमारा कैसा फ्लो कर रहा है रोटेशनल या इनरोटेशनल तो मैंने एंगुलर वेलोसिटी लिखी जेड डायरेक्शन में अभी पीछे सिखाया था जेड है मतलब एक्स और वाई एक्स है तो हमारे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वाई है तो हमारे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो एवरेज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन दिस इज अवर एंगर है. हाफ ऐसा कैसा उतारा जरा मुझे कोई बताएगा v किसके बराबर होगी V इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी वाई दिस इज इक्वल टू वी तो यही है माइनस डी फाइव बाई डी एक्स

वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है सिर्फ इन रोटेशनल फ्लो के लिए अगर फ्लो रोटेशनल हुआ तो उस समय आपको क्या नहीं मिलेगा वेलोसिटी पोटेंशियल नहीं मिलेगा या पोटेंशियल फंक्शन नहीं मिलेगा क्लियर है चीज रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी एनी ऑफ पॉइंट दू रेफर ऑन दिस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर आपका वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट है किसी भी डायरेक्शन में अगर आपका वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट है

तो दो कंसेप्ट बताए हैं पहला वेलोसिटी पोटेंशियल सिर्फ इन रोटेशनल फ्लो के लिए एग्जिस्ट करता है दूसरा अगर वेलोसिटी पोटेंशियल किसी भी डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट हुआ उस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन विल बी जीरो क्लियर है तीसरा कंसेप्ट अगर मैं इक्वल पोटेंशियल वाले इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करूं उस लॉइन को हम क्या बोल देते हैं अगर मैं इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करूं ना में लिखा हुआ है यही तो है वो पोटेंशियल तो अगर मैं इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को करूं जो लाइन निकल के आएगी उसका नाम आ गया क्या नाम आया इक्वी पोटेंशियल लाइन सो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल पोटेंशियल यही तो है इक्वल पोटेंशियल विल बी नोन एज वॉट इक्वी पोटेंशियल लाइन क्लियर है इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल लाइन पे पोटेंशियल क्या रहती है क्वी पोटेंशियल लाइन पे पोटेंशियल क्या रहती है, रहती है? अगर इक्वी पोटेंशियल अगर, अगर मैं इस का निकालूं किसी भी में, क्या निकल के आएगी क्योंकि इक्वी पोटेंशियल लाइन पे पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है या इक्वल है तो अगर आप इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव डेरिवेटिव निकालोगे तो वेलोसिटी क्या आएगी जीरो आएगी तो so जीरो आएगी क्या मतलब इस बात का द मीनिंग ऑफ दिस इस बात का मतलब यह हुआ फ्लो कैनोट अकर ऑन इक्वी पोटेंशियल लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन के अलोंग क्या नहीं हो सकती फ्लो नहीं हो सकती क्लियर है क्योंकि वेलोसिटी क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी वेलोसिटी विल कम आउट टू बी जीरो तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन गया सो दिस इज नेक्स्ट पॉइंट सो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल वेलोसिटी पोटेंशियल इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल लाइन ंगवी पोटेंशियल लाइन फ्लो कैन अकर बाई पोटेंशियल ऑन इक्वी पोटेंशियल तो जब मैं इसका डेरीवेटिव डेरीवेटिव टू जीरो फिर से रिपीट कर रहा हूं पहला कंसेप्टिलोसी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है इर रोटेशनल फ्लो के लिए दूसरा कंसेप्ट अगर हमारा विलॉसी पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब <coughs>

देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर होती है कैसे वो अभी प्रूव करूंगा आगे आज की क्लास में प्रूव हो जाएगा वो विल प्रूव दैट ए रोटेशनल कॉन्स्टेंट देन जीरो इक्वी पोटेंशियल लाइन क्या देख रहे हो ए रोटेशनल कॉन्स्टेंट देन जीरो पूरी स्टेटमेंट लिखो क्या बोल रहे हो रोटेशनल के लिए रोटेशनल फ्लो uh, के लिए पोटेंशियल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता रोटेशनल फ्लो अगर फ्लो रोटेशनल है हमारा इफ द फ्लो इज रोटेशनल तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आ रही है अगर फ्लो रोटेशनल हुआ तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी भैया फाइनाइट होगी पर जब मैं वेलोसिटी पोटेंशियल की एनालिसिस कर रहा हूं मेरी एंगुलर वेलोसिटी क्या रही आ रही है जीरो आ रही है सो इज वॉर्टेक्स फ्लो कंप्लीटेड बिल्कुल पीछे वाले लेक्चर देखो पीछे वाले लेक्चर में तो पिछला चैप्टर ही तो कराया भाई पिछला भी नहीं हाँ पिछला चैप्टर ही कराया होगा चलो आगे बढ़ते हैं चौथा कंसेप्ट फोर्थ कंसेप्ट तीन कंसेप्ट हो गए अब चौथे की बात करते हैं फॉर स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन कल निकाली थी कंटिन्यूटी इक्वेशन जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी हमारी जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन डी रो डी डी रो यू एक्स डी रो वी बाय डी वाई डी रो डब्ल्यू बाय डी सेट इज इक्वल टू जीरो हमारी जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन थी फ्लो इज स्टडी फ्लो इज स्टडी ज़ीरो फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल कल कोई बोल रहा था अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी जीरो हो जाएगी नहीं भैया डेंसिटी ज़ीरो नहीं हो जाएगी डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी क्योंकि डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी इसको बाहर निकाल लेंगे डेंसिटी हटी अब मेरी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आ गई डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल ओमेगा बाय डेल डेड यही है सो फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है अगर इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में मैं यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू डाल दूँ यू की वैल्यू कितनी है यू की वैल्यू है माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स वी की वैल्यू कितनी है माइनस डेल फाई बाय डेल वाई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है माइनस डेल फाइव डेलसेट मैंने ये वैल्यू के डाल दी इसके अंदर तो यू की वैल्यू माइनस डेल फाइव डब्ल्यू की वैल्यू माइनस डेल फाइव सेट आगे माइनस साइन कॉमन था माइनस साइन को जीरो के पास ले गया जीरो हो गया खत्म कहानी इसका मतलब क्या निकल के आ गया ये देखो क्या इक्वेशन बनी है इक्वेशन इज नोन एज लापलास इक्वेशन तो डेल इक्वल टू जीरो मिला इफ एनी विलॉसिटी पोटेंशियल फंक्शन सेटिस इक्वेशन अगर आपका विलोस पोटेंशियल लाप्लास इक्वेशन को फुलफिल करता है तो आपका फ्लो कैसा होगा अगर आपका विलोसिटी पोटेंशियल लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो मेरा फ्लो कैसा होगा मेरा फ्लो हो जाएगा स्टडी और इनकम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सो इफ वेलोसिटी पोटेंशियल द लाप्लास इक्वेशन योर फ्लो विल बी स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल ये चौथा कंसेप्ट आ गया दिस इज द फोर्थ तो दी इनकंप्रेसिबल हो जाएगा बिल्कुल सही बात है इसका मतलब चार चीजें बताइए आपको वेलोसिटी पोटेंशियल की पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है इसका नेगेटिव डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी बता देगा उसी डायरेक्शन में नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये हमेशा होता है इन फ्लो के लिए रोटेशनल फ्लो के लिए एग्जिस्ट नहीं करता फिर हमने क्या बोला अगर वेलोसिटी पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है किसी भी डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो अगर आप सारे इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे जो लाइन मिलेगी उसको हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन के अलांग कोई फ्लो नहीं हो सकती नेक्स्ट अगर हमारी वेलोसिटी पोटेंशियल लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो फ्लो क्या होगा फ्लो होगा हमारा स्टडी और इनकम्प्रेसिबल इफ नॉट सेटिस्फाई मीन अरे क्यों भैया फ्लो क्यों नहीं होगा अगर मेरा वेलोसिटी पोटेंशियल लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा भैया फ्लो तो होगा पर स्टडी और इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा ये बोल रहा है फ्लो ही नहीं होगा अरे भैया फ्लो तो होगी होगी फ्लो किसे बना गया नहीं होगी पर वो फ्लो का नेचर क्या हो जाएगा स्टडी की जगह अनस्टडी हो जाएगा इनकंप्रेसिबल की जगह कंप्रेसिबल हो जाएगा तो अगर वेलोसिटी पोटेंशियल लाप्लास इक्वेशन को नहीं करता है इस बात का मतलब यह नहीं है कि फ्लो नहीं होगा इस बात का मतलब यह है कि फ्लो स्टडी इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा पर अनस्टडी तो हो ही सकता है भैया कंप्रेसिबल तो हो ही सकता है क्लियर है तो यह हमारा पहला स्केलर फंक्शन हुआ खत्म दिस इज फर्स्ट स्केलर फंक्शन दैट इज बींग कंप्लीटेड अब हम बात करते हैं दूसरे स्केलर फंक्शन की सेकेंड स्केलर फंक्शन दूसरा स्केलर फंक्शन ये भी कह सकते हैं कि कोई वेलोसिटी फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो एरोटेशनल होगा बेटा लाप्लास इक्वेशन है ही नहीं इसके अंदर अगर आपका वेलोसिटी पोटेंशियल है अगर आपका विलॉसि पोटेंशियल है मतलब फ्लो एरोटेशनल होगा क्योंकि रोटेशनल फ्लो के लिए तो विलॉसि पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है तो इसमें लाप्लास इक्वेशन तो पिक्चर में नहीं आई है तो अगर आप बोल रहे हो वेलोसिटी फंक्शन है इसका मतलब फ्लो इन रोटेशनल है क्योंकि रोटेशनल फ्लो के लिए तो वेलोसिटी फंक्शन होती ही नहीं है वेलोसिटी फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर रोटेशनल फ्लो तो तो लाप्लास इक्वेशन बहुत आगे की बात है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीम फंक्शन अब स्ट्रीम फंक्शन भी क्या है स्ट्रीम फंक्शन भी अच्छा मैं एक बोलना भूल बोल गया एक बात सॉरी हाँ स्ट्रीम फंक्शन क्या है स्ट्रीम फंक्शन क्या, क्या होता है ये भी एक स्केलर फंक्शन होता है स्केलर फंक्शन ऑफ वॉट ये भी स्केलर फंक्शन होता है हमारे स्पेस का और टाइम का तो स्ट्रीम फंक्शन भी स्केलर फंक्शन होता है और का. इस तरीके से कि अगर आप इसका क्या करो इस तरीके से अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालो किसी भी डायरेक्शन में इस तरीके से अगर आप इसका डेरीवेटिव निकालो किसी भी डायरेक्शन में यह आपके विलोसि दे देगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यह आपको विलोस दे देगा कहां पर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्ट्रीम फंक्शन इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम ठीक है अच्छी बात है सच दैट इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स दी वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल्स अच्छा आप बोलोगे सर राइट एंगल है राइट एंगल भी कौन सा उठाऊंगा देखो लिखा हुआ है राइट एंगल किसमें उठाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट एंगल कौन सा उठाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए एग्जाम्पल लिया ये x ये y यही है x और y तो x और y चलो x y के, एक के, के, के कौन सी डायरेक्शन में सॉरी y x के कौन सी डायरेक्शन में y x के कौन सी डायरेक्शन में है इट इज इन विच डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन पर x y के कौन सी डायरेक्शन में है ये है क्लॉक और ये है एंटी क्लॉक वाइज दिस इज एंटी क्लॉक तो ध्यान रखना इस चीज का वाई एक्स के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पर एक्स वाई के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो अगर आप डेरिवेटिव निकालो किसका स्ट्रीम फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन आपको राइट right एंगल में जो विलोस होगी वह निकाल के दे देगा ठीक है राइट right एंगल में विलोस निकाल लेंगे सो डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी चलो ठीक है वी अब आप बोलोगे सर वी क्यों लिखा एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई और यहां पर विलोसी कौन सी होगी वी होगी

पर हमने इसको डिफाइन किया था एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो साथ में क्या लगाना पड़ गया साथ में स्पेस और टाइम का इस तरीके से कि अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे किसी भी डायरेक्शन में ये उसी डायरेक्शन की विलोस देगा पर स्ट्रीम फंक्शन एक स्केलर फंक्शन होता है स्पेस और टाइम का इस तरीके से कि अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे किसी भी डायरेक्शन में ये आपको क्या करेगा ये आपको उसके राइट right एंगल पे वेलोसिटी निकाल के दे देगा और राइट right एंगल में जाने के लिए आपको क्या करना था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी थी राइट एंगल में जाने पे आपको क्या करना था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी थी क्लियर चले चलो आगे बढ़ते हैं सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस अब ध्यान से सुनना अगर हमारा फ्लो इररोटेशनल है अगर हमारा फ्लो इररोटेशनल है तो मैं क्या बोल रहा हूं इफ फ्लो इज इर रोटेशनल यानी एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी इसका मतलब क्या हुआ एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी जीरो जीरो तो एंगुलर मैंने v और u की वैल्यू डाली तो v और u की वैल्यू डाली जब v और u की वैल्यू डाली कौन सी इक्वेशन बन गई v और u की वैल्यू डाली कौन सी इक्वेशन बन गई लाप्लास इक्वेशन बन गई इसका मतलब क्या हुआ अब ध्यान से सुनना इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्ट्रीम फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा फ्लो इोटेशनल होगा नहीं तो रोटेशनल होगा तो पीछे किसी ने एक सवाल पूछा था मैं नाम भूल गया उसका किसने सवाल पूछा था हाथ उठाना किसी ने भी एक सवाल पूछा था जिसने भी वो सवाल पूछा था उसकी वो वाली स्टेटमेंट अब वैलिड है उसकी स्टेटमेंट वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए वैलिड नहीं थी अब मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा किसी ने मध्यम मार्ग ने पूछा था हाँ मार्ग आपने क्या बोला था आपने ये बोला था कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल लाप्लास इक्वेशन को करता है तो फ्लो इोटेशनल होगा गलत बात थी वेलोसिटी पोटेंशियल तो डिफाइंड ही किसके लिए है वेलोसिटी पोटेंशियल तो डिफाइंड ही इरोटेशनल फ्लो के लिए है सेकंड पॉइंट जो मेरा स्ट्रीम फंक्शन है स्ट्रीम फंक्शन इज डिफाइंड फॉर बोथ स्ट्रीम फंक्शन रोटेशनल इरोटेशनल दोनों फ्लो के लिए डिफाइंड है पर अगर स्ट्रीम फंक्शन मेरी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो फ्लो क्या हो जाएगा इरोटेशनल हो जाएगा सो इफ स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन द फ्लो विल बी टर्मड एज इरोटेशनल तो आपकी बात वैलिड है किसके लिए स्ट्रीम फंक्शन के लिए आपकी बात वैलिड नहीं थी किसके लिए वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए इट वाज नॉट वैलिड फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल क्लियर है चलो तो स्ट्रीम फंक्शन एक स्केलर फंक्शन है स्ट्रीम फंक्शन है द स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम इस तरीके से कि अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालो किसी भी डायरेक्शन में

0.2 तो दो पॉइंट कंसिडर किए यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन है हमारा फाइव वन यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन है हमारा फाइव टू तो अगर आप डिफरेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन निकालो बिटवीन टू पॉइंट यानी फाइव वन माइनस फाइव टू ये आपको क्या दे देगा ये आपको फ्लो दे देगा जो किसके अक्रॉस हो रहा है ये आपको फ्लो दे देगा उस लाइन के अक्रॉस जो वन और टू पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बनती है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपने दो पॉइंटों पे स्ट्रीम फंक्शन निकाला उस स्ट्रीम फंक्शन का डिफरेंस निकाला इस स्ट्रीम फंक्शन का डिफरेंस आपको क्या दे देगा तो मैं बोल दूंगा फाइव वन माइनस फाइव टू क्या निकाल के दे देगा मुझे डिस्चार्ज निकाल के दे देगा कौन से सेक्शन के अक्रॉस उस सेक्शन के अक्रॉस जो पॉइंट वन और टू को ज्वाइन करने के बाद मिलता है क्लियर यहां तक की कहानी रिपीट करना है इसमें से कुछ भी क्लियर है चलो अगर मैं उन पॉइंटों को ज्वाइन करूं जहां पर स्ट्रीम फंक्शन सेम है उस लाइनों को क्या बोलेंगे जैसे पीछे क्या बोला था लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल पोटेंशियल इज नोन एज वॉट इक्वी पोटेंशियल लाइन लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट ऑफ इक्वल स्ट्रीम फंक्शन इज नोन एज वॉट लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट ऑफ इक्वल स्ट्रीम फंक्शन इज नोन एज वॉट स्ट्रीम लाइन उसे हम क्या बोल देते हैं स्ट्रीम लाइन बोल देते हैं डिस्टर्ब है स्ट्रीम लाइन यानी यहां से एक कंसेप्ट और आया क्या एक कंसेप्ट और आया अब तसली से सोच के बताना मुझे मेरी यह स्ट्रीम लाइन है दिस इज अवर स्ट्रीम लाइन सो दिस इज अवर स्ट्रीम लाइन मैंने स्ट्रीम लाइन के ऊपर दो पॉइंट कंसिडर किए पॉइंट वन पॉइंट टू आई कंसिडर टू पॉइंट ऑन स्ट्रीम लाइन पॉइंट वन एंड पॉइंट टू यहां पर स्ट्रीम फंक्शन है फाइव वन यहां पर स्ट्रीम फंक्शन है फाइव टू जरा बता ना फाइव वन फाइव टू की वैल्यू क्या होगी टू डी फ्लो भैया थ्री डी फ्लो के लिए वैलिड है फाइव वन फाइव टू की वैल्यू क्या होगी अगर मेरी फ्लो लाइन स्ट्रीम लाइन है इसके ऊपर दो पॉइंट पॉइंटर किए दो पॉइंट किए दोनों पे स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा जीरो थोड़ी होगा बेटा निधि बराबर होगा ना अरे फाइव वन फाइव टू क्या होगा इक्वल जीरो नहीं होगा इट विल बी सेम क्योंकि स्ट्रीम लाइन है स्ट्रीम लाइन के हर एक पॉइंट के ऊपर स्ट्रीम फंक्शन क्या होती है सेम होती है सेम होती है तो फाइव वन भी फाइव होगा और फाइव टू भी फाइव होगा इसका मतलब फाइव वन माइनस फाइव टू कितना होगा फाइव वन माइनस फाइव टू जीरो हो जाएगा। अगर फाइव वन माइनस फाइव टू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब वन और टू पॉइंट को ज्वाइन किया इसके अक्रॉस कितना फ्लो होगा जीरो तो वन और टू पॉइंट को ज्वाइन किया इसके अक्रॉस कितना फ्लो होगा जीरो बिल्कुल सही बात है देयर कैन बी नो फ्लो अक्रॉस दी स्ट्रीम लाइन फ्लो विल ओनली टेक प्लेस अलोंग दी स्ट्रीम लाइन फ्लो हमेशा किसके अलोंग होता है स्ट्रीम लाइन के अलोंग होता है अक्रॉस नहीं हो सकता ये तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था पर उस बात को जस्टिफाई करने का एक और तरीका उस बात को जस्टिफाई करने का एक और तरीका क्लियर है।, है कल यही प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ा था बिल्कुल सही बात है तो वो प्रॉपर्टी कहां से आई थी वो यहीं से आई थी प्रॉपर्टी तो आपको बता पहले ही दिया था पर उसका एक्सप्लेनेशन अब आया है तो कहने का मतलब है जिस समय पे अगर कोई बात बताई जाए जरूरी नहीं है कि वो बात उसी समय पे समझ में आ जाए उसका रीजन मैंने दे दिया भैया चीजों को डेवलप होने में टाइम लगता है बहुत क्लियर है तो क्या कंक्लूजन मिला ये नोट पढ़ लो नोट देख लो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीछे बता दिया था पहले पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है सिर्फ किसके लिए पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है सिर्फ इर रोटेशनल फ्लो के लिए क्लियर है चीज पर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है किसके लिए रोटेशनल रोटेशनल फ्लो के लिए क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर इर रोटेशनल फ्लो हुआ तो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन दोनों जीरो हो जाएंगे ऐसा ही है हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन दोनों जीरो हो जाएंगे नहीं ये जीरो नहीं होंगे अगर फ्लो हमारा इररोटेशनल है अगर फ्लो हमारा रोटेशनल है तो वेलोसिटी पोटेंशियल और के लिए करता है। अभी पीछे डिटेल में डिस्कस करके आया हूं तो वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट ओनली फॉर इर रोटेशनल फ्लो बट स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट फॉर बोथ इोटेशनल एंड रोटेशनल फ्लो फिर हमने क्या बोला अगर फ्लो हमारा इर रोटेशनल है तो बोथ वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन विल सेटिस्फाई इक्वेशन, दोनों के दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। डिफरेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन वाला डिफरेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन वाला डिफरेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन वाला ये वाला पॉइंट बताया कि अगर मैं दो पॉइंट कंसीडर करूं पॉइंट वन पॉइंट टू इन दोनों पॉइंटों पर स्ट्रीम फंक्शन का डिफरेंस निकालू इन दोनों पे स्ट्रीम फंक्शन का डिफरेंस निकालो डिफरेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन एट एनी टू पॉइंट गिव यू दि डिस्चार्ज पासिंग फ्रॉम दी सेक्शन फ्रॉम दिस टू पॉइंट तो वन और टू पॉइंट को ज्वाइन करने से जो सेक्शन बना इसके अक्रॉस आपको डिस्चार्ज दे, दे देगा फिर हमने बोला वो लाइन जो सेम स्ट्रीम फंक्शन वाले पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन यानी स्ट्रीम लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट पे स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा सेम होगा अगर स्ट्रीम फंक्शन सेम होगा तो डिफरेंस जीरो होगा डिफरेंस जीरो होगा तो डिस्चार्ज जीरो हो जाएगी इसका मतलब कोई से भी दो पॉइंट के अक्रॉस क्या नहीं हो सकती फ्लो नहीं हो सकती वो तो हमें वैसे ही पता है कि भैया फ्लो तो स्ट्रीम लाइन के अलोंग होती है अक्रॉस थोड़ी ना होती है इट डज नॉट टेक प्लेस अक्रॉस ही स्ट्रीम लाइन तो अब जाके पूरी बात मेरी खत्म हुई अब जाके मेरी जब पूरी बात खत्म हो गई जरा देखो मैं वेलोसिटी को किसके टर्म में लिख सकता हूं वेलोसिटी पोटेंशियल के टर्म में लिख सकता हूं और स्ट्रीम फंक्शन के टर्म में भी लिख सकता हूं मैं वेलोसिटी को वेलोसिटी पोटेंशियल के टर्म में भी लिख सकता हूं और स्ट्रीम फंक्शन के टर्म में भी लिख सकता हूं और ये जो इक्वेशन है क्या कहलाती है कोची रहमान इक्वेशन कहलाती है इफ टू पॉइंट्स लाई ऑन दी सेम लाइन देन स्ट्रीम फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा या नहीं अरे नहीं होगा भाई इफ टू पॉइंट्स लाई ऑन दी स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम फंक्शन कॉन्स्टेंट तभी होगा जब वो लाइन क्या हो जब वो लाइन स्ट्रीम लाइन हो जैसे वन और टू पॉइंट एक लाइन पे एग्जिस्ट कर तो रहे पर यह वाली लाइन मेरी स्ट्रीम लाइन थोड़ी ना भैया दो पॉइंट अगर एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लाइन जरूरी थोड़ी ना स्ट्रीम लाइन हो वो तो कोई और फ्लो लाइन भी हो सकती है पाथ लाइन भी तो हो सकती है स्ट्रीट लाइन भी तो हो सकती है पर अगर दो पॉइंट स्ट्रीम लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं तब आपको स्ट्रीम फंक्शन क्या मिलेगा सेम मिलेगा क्योंकि स्ट्रीम लाइन किसका नाम रखा था आपने स्ट्रीम लाइन वो लाइन होती है जो इक्वल स्ट्रीम फंक्शन वाले पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है क्लियर है चलो अच्छी बात है क्लियर है तो करो सवाल अब पोटेंशियल फंक्शन को पोलर कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी पोटेंशियल को पोलर कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करेगा ये भी पीछे बताया था वेलोसिटी पोटेंशियल मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बताई थी निकाल के इक्वेशन दी तो थी पोटेंशियल की वेलोसिटी पोटेंशियल की इक्वेशन दी हुई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये सो पोटेंशियल फंक्शन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चलो आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू क्या पूछ रहा है सवाल वॉट इज बिंग हास्ट अब सवाल बोल रहा है इन अ टू डायमेंशनल फ्लो ऑफ द दुड सो इन टू डायमेंशनल फ्लो ऑफ द इफ पोटेंशियल दिलोटेंशियल फाइविस्ट विच द रिलेशन कौन सी रिलेशन है ये कौन सी रिलेशन है ये लाप्लास रिलेशन देन फ्लो इज वॉट फ्लो क्या होता है अगर ये लापलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे फ्लो कैसी होती है हमारी स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो हमारी स्टडी इनकंप्रेसिबल होती है ए, इस फ्लो स्टडी इनकम्प्रेसिबल अगर वेलोसिटी पोटेंशियल हमारी कर दे, इफ वेलोसिटी पोटेंशियल लाप्लास इक्वेशन इट मींस व्हाट, इस बात का मतलब है फ्लो हमारा क्या होगा स्टडी इनकंप्रेसिबल होगा तो स्टडी इनकंप्रेसिबल सही बात है एब्सोल्युटली करेक्ट स्टडी लेमिनार इनकंप्रेसिबल का कोई रोल ही नहीं है यहां पे

पोटेंशियल इज डिफाइंड ओनली फॉर वॉट बिलोसी पोटेंशियल इज डिफाइंड ओनली फॉर वॉट इन रोटेशनल फ्लो वो डिफाइंड इन रोटेशनल फ्लो के लिए क्लियर है पूरी कहानी चले चलो सो आंसर कम्स आउटी टर्बुलेंट इनकम्प्रेसिबल गलत स्टेटमेंट हो गई स्टडी इन कंप्रेसिबल इन रोटेशनल फिर से गलत बोल रहे हो कैप्टन जैक्स सवाल बोल रहा है कि टू डायमेंशनल फ्लो के अंदर विलोस पोटेंशियल लाप्लास इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है तो बताओ फ्लो कैसा होगा अगर विलोस पोटेंशियल लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं भी करे तब भी मेरा फ्लो इन रोटेशनल होगा पर जब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फ्लो क्या होगी स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगी देन द फ्लो विल बी स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो चलो आगे बढ़ते हैं

तो so, ये भी एग्जिस्ट करता है ये भी एग्जिस्ट करता है सो आंसर इज सी तो आंसर हमारा सी आ गया क्लियर है क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट प्रॉब्लम विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन विल बी सैटिस्फाइड बाय स्टडी इन रोटेशनल फ्लो सो विच ऑफ द कंडीशन में भी सेटिस्फाइड बाय स्टडी इरोटेशनल रोटेशनल फ्लो एक तो स्टडी है और दूसरा इरोटेशनल रोटेशनल फ्लो है तो दो कंडीशन दी हुई है एक स्टडी फ्लो है और दूसरा फ्लो तो इक्वेशन क्या होती है वॉट अबाउट कंटिन्यूटी तो कंटिन्यूटी इक्वेशन डी रो बाय डी टी प्लस डी रो यू बाय डी एक्स डी वी by डी वाई डी by dz डी जेड अब देखो कुछ बातें इस सवाल में अन कहीं हैं कुछ बातें इस सवाल में अन कहीं हैं स्टडी तो स्टडी के लिए गायब टू डायमेंशनल फ्लो है टू डायमेंशनल फ्लो है इसको भी गायब इसका मतलब सिर्फ स्टडी फ्लो के लिए कौन सी बात वैलिड है स्टडी फ्लो के लिए तो ये वाली बात वैलिड है कोई इक्वेशन है ही नहीं इसके अंदर नन ऑफ द इक्वेशन इज दिस तो ये वाली इक्वेशन तो कहीं पे है ही नहीं अब ये वाली इक्वेशन कहीं पे नहीं है पर इसने डेंसिटी को कांस्टेंट माना हुआ है इसका मतलब फ्लो कैसा है फ्लो को इसने क्या मान लिया फ्लो को इसने इनकम्प्रेसिबल मान लिया बाकी अगर आप चैलेंज करने पे आओ चैलेंज कर सकते हो उसे कि भैया कहां लिखा है भैया इनकम्प्रेसिबल तो लिखा ही नहीं इसका मतलब ये इक्वेशन तो वैलिड होती है स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए अब ऐसे है इतनी जानकारी नहीं देता थोड़ा दिमाग आपको भी चलाना पड़ेगा चलो खत्म कहानी नेक्स्ट अगर एयर रोटेशनल फ्लो है फ्लो इज रोटेशनल इसका मतलब क्या हुआ अगर फ्लो मेरा इोटेशनल है इसका मतलब क्या हुआ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी अगर फ्लो मेरा इोटेशनल है इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी बी जीरो तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी हाफ जेड डी एक्स डी वी डी यू डी वाई तो एंगुलर फिलोसफी हमारी जीरो ये एंगुलर है। वी एक्स, वी तो दूसरी इक्वेशन भी सही है और तीसरी इक्वेशन भी सही है एस एस सी नहीं है।, ये सी है।, तो ये सी है क्लियर है तो कौन सा ऑप्शन सही है सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट पर एब्सोल्यूट टर्म में तीसरी इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब फ्लो मेरा क्या हो फ्लो हमारा इनकम्प्रेसिबल हो तो वो अंडरस्टैंडेबल है फ्लो को आपने इनकम्प्रेसिबल माना हुआ है यू अज्यूम दी फ्लो टू बी इनकम्प्रेसिबल चले आगे चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है वोट दी नेक्स्ट प्रॉब्लम इफ फ्लो कंडीशन सेटिस्फाइज ही लाप्लास इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन फ्लो इज रोटेशनल गलत बात है फ्लो डज नॉट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन गलत बात है फ्लो इज ए रोटेशनल बट डज नॉट सेटिस कंटिन्यूटी इक्वेशन गलत बात है फ्लो इज ए रोटेशन एंड सेटिसफाई कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन शुड भी वैलिफ फॉर एवरी टाइप ऑफ फ्लो इन जनरल सर इनकम्प्रेसिबल ही मानते हैं क्या क्यों मानते हैं भाई किसने बोला मानते हैं जब तक लिख के नहीं देगा मैं क्यों मान लूंगा जब तक लिख के नहीं देगा हम क्यों मान लेंगे तो कोई भी चीज अपनी मर्जी से एज्यूम नहीं करनी है कुछ आंसर देख के भी निकाला जाता है तो जैसे मैंने आंसर देख के मार्क कर दिया सवाल करना था ना बस पर लॉजिकली आपको बता दिया ना कि इसको फ्लो लिख के देना चाहिए था कि इनकम्प्रेसिबल है नहीं लिख के दिया अगले की मर्जी भूल गया होगा आगे तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हर फ्लो के लिए वैलिड होनी चाहिए पर अगर लाप्लास इक्वेशन फुलफिल्ड है फ्लो कैसा होगा फ्लो हमारा होगा इोटेशनल फ्लो विल बी टर्म रोटेशनल फ्लो क्लियर है कोई पॉइंट रिपीट करना हो पे से चले आगे चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सो so, आपके फ्लूड कानामेटिक्स का लास्ट टॉपिक सो लास्ट टॉपिक ऑफ योर फ्लूड कानामेटिक्स इज फ्लोनेट अब फ्लोनेट कोई नई चीज़ नहीं है फ्लोनेट हमने सॉयल मैकेनिक्स में भी डिस्कस किया है फ्लोनेट हमने इरीगेशन में भी डिस्कस किया है दोनों जगह एप्लीकेशन आती है फ्लोनेट की क्योंकि रीजन बींग फ्लोनेट कैन बी यूज टू कैलकुलेट दी सीपेज डिस्चार्ज और सीपेज का हमारा पूरा टॉपिक है सॉयल मैकेनिक्स पे और सीपेज प्रैक्टिकली होती है हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के नीचे और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हम करते हैं इरिगेशन के अंदर तो इसके एप्लीकेशन इरिगेशन में भी आती है इसकी एप्लीकेशन इरिगेशन में भी आती है अब क्या है फ्लोनेट पहले उसको समझते हैं पहला वो लाइन जिसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट हो वो लाइन जिसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट हो क्या बोलते हैं उसे उस लाइन को हम बोल देते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन वो लाइन जिसके हर एक पॉइंट पे स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट हो इसको हम क्या बोल देते हैं स्ट्रीम लाइन ग्रिड विच इज ऑपटेन्ड बाई ड्रॉइंग सीरीज ऑफ इक्वीपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन अच इज ड्रॉन और विच इज ऑपटेड बाई ड्रॉइंग सीरीज ऑफ इक्वीपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन इस टर्म डॉट फ्लोनेट तो वो ग्रिड जो हमें तब मिलती है जब हम सीरीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन को ड्रॉ करें उसे हम फ्लोनेट बोल देते हैं तो यह रही हमारी फ्लोनेट तो जो पहली वाली तीन लाइने पहली वाली तीन लाइनें हैं, पहली वाली तीन लाइनें हैं रेड कलर की इसको हम क्या बोल देंगे इक्वी पोटेंशियल लाइन जो दूसरी वाली लाइनें हैं ब्लू कलर की इसको हम क्या बोल देंगे इसको हम बोल देंगे स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम लाइन को फ्लो लाइन भी बोला जाता है स्ट्रीम लाइन में ऑल्सो भी टर्म डे फ्लो लाइन क्लियर पॉइंट रिपीट करना है इसमें से कुछ भी

इन दोनों स्ट्रीम लाइन में जो स्ट्रीम फंक्शन का डिफरेंस है कितना होगा फाइव प्लस डेल फाइव माइनस फाइव कमिंग आउट टू बी हाउ मच डेल फाइव तो दो स्ट्रीम लाइन इस तरीके से बनाई जाती हैं दो स्ट्रीम लाइन इस तरीके से बनाई जाती हैं कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है स्ट्रीम फंक्शन का हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा इट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट आगे वाली देखो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा अभी भी कितना निकल के आ रहा है डेल फाइव इन दोनों के स्ट्रीम फंक्शन का डिफरेंस निकालू हमेशा क्या निकल गया मतलब दो स्ट्रीम लाइन के बीच में डिस्चार्ज हमेशा क्या फ्लो करेगी सेम फ्लो करेगी क्यों अभी पीछे बताया था कि अगर मैंने पॉइंट वन और पॉइंट टू कंसिडर किया इन दोनों पॉइंटों पे स्ट्रीम फंक्शन का जो डिफरेंस है वो मुझे क्या बताता है वो मुझे डिस्चार्ज बता देता है अगर दो स्ट्रीम लाइन के बीच का जो डिफरेंस है स्ट्रीम फंक्शन का अगर वो हमेशा कॉन्स्टेंट है यानी दो स्ट्रीम लाइन के बीच में जो डिस्चार्ज है वो भी हमेशा क्या होगी वो भी हमेशा होगी। तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है क्लियर? तो को इस तरीके द डिफरेंस ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन इन बिटवीन विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट ये हमेशा कॉन्स्टेंट होगा चले चलो सेकंड पॉइंट अब दूसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्लो हमेशा कहां पर होगा फ्लो हमेशा होगा फ्लो ऑलवेज अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल फंक्शन फ्लो हमेशा आपको डिक्रीजिंग पोटेंशियल फंक्शन की डायरेक्शन में मिलेगा ऑब्वियस ही बात है अगर पोटेंशियल फंक्शन डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है एनर्जी खर्च हो रही है जरा देखो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल फंक्शन की यहां पर फाइव यहां पर फाइव माइनस डेल फाइव यहां पर फाइव माइनस टू डेल फाइव तो फ्लो तो तो हमेशा किसके अलॉन्ग हो रही है फ्लो हमेशा हो रही है अलॉन्ग दी डिक्रीजिंग पोटेंशियल फंक्शन लॉस हो रहा है बिल्कुल सही बात है तो यू कैन से लॉस इज टेकिंग प्लेस फिर है नोट करिए सबने। चले नोट भी करते जाना है आपकी श्रद्धा नोट करना है या नहीं करना समझते जाना है बस नोट करना है नहीं करना वो तो आपकी श्रद्धा अच्छा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है कि जो हमारी इक्वी पोटेंशियल लाइन है और जो हमारी स्ट्रीम लाइन है ये दोनों मीट करती हैं आपस में 90 डिग्री पे आके बोथ मीट ईच अदर एट 90 डिग्री कैसे कैसे होगी जरा चेक करो तो मैंने पहले वाले तीन पॉइंट तो बताए दिया आपको फ्लोनेट इज ड्रोन इन सच अर दिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन ऑफ द टू सक्सेसिव स्ट्रीम लाइन आर सेम फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस डिस्चार्ज बिटवीन द टू सक्सेसिव स्ट्रीम लाइन इज कॉन्स्टेंट ये बात भी डिस्कस कर ली फ्लो अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल फंक्शन क्योंकि हेड लॉस होता है यह बात भी समझ में आती है इक्वी पोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये दोनों आपस में क्या होती है परपेंडिकुलर होती है अब इस बात को कैसे एनालाइज करें

अगर स्ट्रीम लाइन के ऊपर स्ट्रीम फंक्शन कॉन्स्टेंट होता है तो इसका मतलब चेंज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन विल बी जीरो तो चेंज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन जीरो कर दिया तो डी फाई की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो so, डी फाई इज इक्वल टू जीरो कहानी डी फाई की वैल्यू जीरो पुट करी सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को तो हमारा डी सॉरी जब सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को तो हमारा डी वाई बाय डी एक्स क्या आ रहा है हमारा डी वाई बाय डी एक्स आ रहा है माइनस डेलफाई बाय डीएक्स अपॉन डेल्फाई बाय डी वाई माइनस डेल्फाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वॉट वी डेल्फाई इक्वल टू वॉट यू इसका मतलब स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन इज इक्वल टू वॉट वी बाय यू इसका मतलब स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन इज इक्वल टू वी बाय यू तो हमने स्ट्रीम लाइन की स्लोप निकाल ली तो स्लोप ऑफ दीम लाइन इज बाउंड इसी तरीके से मैं किसकी स्लोप निकाल सकता हूं इसी तरीके से मैं स्लोप निकाल सकता हूं किसकी इक्वी पोटेंशियल लाइन की कैसे निकालूक्टेंशियल लाइन की स्लोप सेम कहानी आई कैन से डी फाइव इज इक्वल टू डेल फाइव बाई डेल एक्स इन टू डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई इन टू डी वाई यही है चेंज इन वेलोसिटी पोटेंशियल ऑन इक्वी पोटेंशियल लाइन डी फाइव की वैल्यू कितनी होगी डी फाइव की वैल्यू होगी जीरो तो इक्वी पोटेंशियल लाइन के ऊपर डी फाइव की वैल्यू जीरो तो अगर मैं इसको जीरो पुट कर दू इफ आई पुट इट इक्वल टू जीरो जरा बताना डीवाई बाई डी एक्स कितना आता है डी वाई बाय डी एक्स कम्स आउट टू बी हाउ मच इसको उधर ले जाओ डी एक्स नीचे आ जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस डेलफाई बाय डेल एक्स अपॉन डेल फाई बाय डेल वाई सो डेल फाई बाय डेल वाई इसका मतलब ये किसके बराबर है दिस इज इक्वल टू माइनस यू बाय वी तो दिस इज इक्वल टू माइनस यू बाय इसका मतलब स्लोप ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन माइनस यू बाई स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन वी यू। अगर मैं दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करूं यानी एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू वी बायू इंटू माइनस यू बाय वी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट निकल के आ रहा है माइनस वन अगर दो लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन आ गया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब दोनों 90 डिग्री पे मीट करती हैं आपस में आके

दिस कंप्लीट योर कानामेटिक्स ये आपकी कानामेटिक्स खत्म कर देता है अब सवाल कर लें सवाल कर लो देर आर फ्यू प्रॉब्लम्स दैट यू कैन डू पार्शल डेरीवेटिव और डेरीवेटिव में क्या फर्क होता है पार्शल डायरीवेटिव आप करते हैं जब मेरा एक पैरामीटर एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन हो तो उसको पार्शल डेरीवेटिव बोल देते हैं अगर कोई पैरामीटर मेरे एक ही पैरामीटर का फंक्शन है तो उसमें कंप्लीट डेरीवेटिव कर सकते हो तो बस ये फर्क होता है तो अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए पार्शियल डेरिवेटिव एक ही वेरिएबल हो तो सिंपल डेरिवेटिव कर लो तो तब पार्शियल डेरिवेटिव आपका डेरिवेटिव में कंप्लीट हो जाता है चलो आगे बढ़ते हैं देखो सवाल सवाल पहला क्या वन ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्लोनेट एनालिसिस इन मैकेनिक्स कौन सी बात ट्रू है फ्लोनेट के लिए टू डिटरमाइन दी स्ट्रीम लाइन सो दोटेंशियल वन ऑफ फॉलोइंग इज यूज ऑफ फ्लोनेट क्या यूज है फ्लोनेट का टू डिटरमाइन दी स्ट्रीम लाइन एन इक्व्यूटेंशन लाइन सही बात है टू डिटरमाइन डाउनवर्ड लिफ्ट प्रेशर अबव द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर नहीं भैया टू डिटरमाइन विस्कोसिटी ऑफ द गिवन कोई विस्कोसिटी नहीं है यहाँ पे टू डिजाइन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कोई फ्लूड स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं होती तो आंसर so आ गई हमारी ये सो आंसर कम्स आउट टू बी आंसर हमारा क्लियर है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्लूड तो फ्लो फील्ड इज गिवन बाय तो एक्स है भैया आपका फ्लो विस्कस है या नहीं है भैया देख के थोड़ी पता चलता है फ्लो विस्कस है या नहीं है फ्लो स्टडी है या नहीं है हाँ ये जरूर बता सकता हूं कैसे तो फ्लो स्टडी है या नहीं है सो डेल यू डेल टी जीरो कोई सी भी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रही इसका मतलब फ्लो स्टडी है बिल्कुल सही बात है फ्लो इज इनकंप्रेसिबल फ्लो इज इनकंप्रेसिबल क्या बता सकते हो आप फ्लो इज इनकंप्रेसिबल तो फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल तो स्टडी है इनकम्प्रेसिबल है हाँ यह जरूर बता सकता हूं कैसे बता सकता हूं हाउ कैन बी रेफर्ड फ्लो इनकम्प्रेसिबल है या नहीं है सो डेल यू बाय डेल एक्स डेलवी बाय डेल वाई डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वेशन किसके लिए वैलिड होती है ये इक्वेशन वैलिड होती है स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा अगर ये इक्वेशन फुलफिल हो गई तो फ्लो हमारा स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा अब चेक करो डेल्यू बाय डेल एक्स सो डेल्यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू टू वाई डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू जेड डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड दिस इज इक्वल टू टू वाई प्लस जेड सो टू वाई प्लस जेड कैंसल आउट हो गया इसका मतलब फ्लो कैसा है फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो फ्लो इज स्टडी टोटल वेलोसिटी फोर थ्री पॉइंट वन फोर थ्री मैग्नीटूड तो मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है निकालो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पहला टू इंटू वन इंटू फोर वन इंटू फोर तो स्क्वायर प्लस वाई जेड फोर इंटू थ्री का होल स्क्वायर माइनस तो माइनस तो हटा माइनस हटा प्लस माइनस साइन माइनस साइन टू इंटू फोर इंटू थ्री सो टू इंटू फोर इंटू थ्री प्लस थ्री स्क्वायर बाय टू थ्री स्क्वायर बाय टू ब्रैकेट बंद किया ब्रैकेट बंद किया होल स्क्वायर निकाल के बताओ कितनी आ रही है वेलोसिटी मतलब आंसर निकाल भी दिया इन्होंने सी ऑप्शन गधब मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये कैलकुलेशन कैसे कर ली इन लोगों ने मतलब अभी राजू यादव को ये समझ में नहीं आ रहा था कि सर नोट्स बनाओ या नहीं बनाऊ अब उसको ये भी पता चल गया कि इसकी वैल्यू ट्वेंटी सेवन नहीं आ रही अभी तो मैंने लिखा भी नहीं इस बात को लिखने में इतना टाइम लग गया इन्होंने ट्वेंटी सेवन यूनिट भी आंसर निकाल दिया है निकालो भैया कितना आ रहा है का मैग्नीटूड तो आठ का होल स्क्वायर प्लस बारह का होल स्क्वायर ये जो भी है क्या लिखा हुआ है ये ये क्या लिखा हुआ है फोर्थ ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर और ये है हमारा नाइन बाय टू फोर पॉइंट फाइव ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव का होल स्क्वा मैग्नीट्यूड है हमारा थर्टी टू आ रहा है सो थर्टी टू इसका मतलब ये वाली बात गलत है दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट सो दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट क्लियर है चले आगे चलो आगे बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट ये में कैसे करेंगे जैसे अभी मैंने किया जैसे अभी मैंने किया वैसे तो करेंगे भाई मैंने कोई जादू थोड़ी किया आपके सामने सॉल्व करके दिया ना और कैसे किया चलो आगे करते हैं कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजनरी लाइन विद इन दी फ्लो एट विच नॉर्मल एट एनी पॉइंट रिलेट्स टू दी एक्सलेशन एट दैट पॉइंट कुछ भी बोल रहा है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस सही बात है टेम्पोरल एक्सेलरेशन एक्सप्रेस इज वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सही बात है बोथ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन टेम्पोरल एक्सेलरेशन कैन को एग्जिस्ट सही बात है इसका मतलब आंसर क्या हो गया डी क्लियर सो टू थ्री फोर आंसर इज डी डर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्लूड ऑफ लो विस्कोसिटी आर ऑल इोटेशनल देखना तो फ्लो इोटेशनल होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इनोटेशनल होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है पर हमेशा इनल हो ऐसी बात गलत है रोटेशन ऑफ द फ्लूड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विदर्स है सही बात है रोटेशन होने के लिए हमेशा क्या होनी चाहिए विस्कॉसिटी होनी चाहिए इसका मतलब पहली बात गलत है दूसरी बात सही है आंसर इस तो। ये हमेशा एसोसिएटेड है किसके साथ शेयर के साथ चलो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल। तो टू डी इनकम्प्रेसिबल फ्लो विद वेलोसिटी विलोसिक कॉम्पोनेक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली इक्वेशन इज दिस गलत ये कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं है द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज दिस प्लस डी यू बाई डी टी डी बाई डी टी सो डी यू बाई डी टी क्या है बात सही है स्टेटमेंट टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन है डी यू बाई डी टी लिखा हुआ है सही बात है करेक्ट स्टेटमेंट सही है अच्छा एक चीज और थी सॉरी डब्ल्यू डी यू बाई डी जेड अब क्योंकि टू डायमेंशनल फ्लो है तो ये जीरो हो गया जीरो स्टेटमेंट इज करेक्ट दी कंडीशन ऑफ इोटेशनिटी सही बात है एंगुलर ओमेगा इक्वल टू जीरो तो आ गई है रिलेशनशिप so सही बात है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन अभी निकाल के बताई थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन ये हमारी इक्वेशन है स्ट्रीम लाइन की सो डी वाई बाई डी एक्स स्ट्रीम लाइन की स्लोप निकाली थी आपने माइनस वी बायू सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन ये नहीं है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पीछे क्या निकाली थी आपने वट वॉज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन डेट वी अर फाउंड स्लोप निकाली थी स्ट्रीम लाइन की हमने वाट वॉज द स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन कमिंग आउट वी बाई यू इट वॉज कमिंग आउट टू बी वी बायू यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गई गलत हो गई यानी दूसरी और तीसरी बात सही है सो दिस इज ई इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन ये हमारी इक्वेशन है स्ट्रीम लाइन की लक्की तिवारी यू बाई वी नहीं है वी बाई यू है इट वॉज वी बायू क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं द रिलेशन देट मस्ट होल्ड गुड फॉर दी फ्लो टू बी रोटेशनल अभी कर गया है पीछे एंगुलर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, सो एंगुलर वेलोसिटी जीरो या एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाए, या आप क्या बोल सकते हो वॉटिसिटी जीरो हो जाए, कुछ भी बोल दो नेगेटिव नहीं होगा तो सिंपल सिंपल से सवाल है प्रॉब्लम आर वेरी सिंपल वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन द स्ट्रीम लाइन एंड द इक्वी पोटेंशियल लाइन इंटरसेक्शन इज हाउ मच नाइनटी डिग्री तो ये आपस में किस पे आके मिलते हैं ये आपस में 90 डिग्री पे आके मिलते हैं मीट ईच अदर एट डिग्री देखो अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी स्ट्रीम लाइन एंड एक पोटेंशियल लाइन बोथ कैन बी ड्रॉन ग्राफिकली फॉर विस्कस फ्लो अराउंड एनी बाउंड्री सो बोथ कैन बी ड्रॉन फॉर विस्कस फ्लो भैया ये कहां से आ गया विस्कस फ्लो अराउंड एनी बाउंड्री गलत स्टेटमेंट है

क्लियर है पूरी कहानी ए फिर से ए फिर से बोथ कैन बी ड्रॉन ग्राफिकली फॉर विस्कस फ्लो अराउंड एनी बाउंड्री ये बोल रहा है कि दोनों को आप ड्रॉ कर सकते हो ग्राफिकली विस्कस फ्लो के लिए विस्कस फ्लो के लिए नहीं बनेगा कौन से फ्लो के लिए बनेगा जब फ्लो हमारा क्या हो रोटेशनल हो इट इज नॉट विस्कस फ्लो, इट इज ए रोटेशनल फ्लो क्योंकि पोटेंशियल किसके लिए रोटेशनल फ्लो के लिए है. और फ्लो अगर ए रोटेशनल है तो विस्कॉसिटी नहीं होनी चाहिए विस्कॉसिटी हुई तो रोटेशनल फ्लो हो जाएगा तो विस्कॉसिटी है इसका मतलब रोटेशनल है रोटेशनल है इसका मतलब पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता

छह या सात चैप्टर कंप्लीट कर दिए इसका मतलब एक से कम लेक्चर में एक या सवा लेक्चर में क्या हो रहा है एक या सवा लेक्चर में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी स्पीड बनाई हुई है हमने स्पीड इज गुड इस तरीके से करेंगे तो बढ़िया आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी एक पॉइंट छोड़ नहीं रहा मैं नॉट अ सिंगल कंसेप्ट इज बींग मिस्ड सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं इसके अंदर ऑल द पॉइंट्स आर कंप्लीटेड चलो आज के लिए इतना सफिशेंट है मीट टूमोरो नेक्स्ट क्लास आपकी कल है चलो चलो सॉरी एवरी वन अच्छा सॉरी बोल दिया थैंक यू एवरी वन विल मीट टूमोरो